नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज की क्लास में राजस्थानी शैली के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और एक चीज़ यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी MSU से BA कर रहे हैं यानी माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें आपने सिलेबस में देखा होगा जो आपका ड्राइंग का फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, उसमें राजस्थानी चित्रकला के कुछ टॉपिक दिए हुए हैं। तो उन्हीं टॉपिक को लेकर हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वहाँ पर आपने देखा होगा राजस्थानी शैली से लगभग 6 टॉपिक हैं, तो उन सभी टॉपिक को हम आज की वीडियो में आपको कवर करवा देंगे। ये जो 2 घंटे की वीडियो है, इसमें आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी जाकर कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली, और राजस्थानी शैली मैं 2 बार पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ नई चीज़ें ऐड की जाएंगी। और हर बार कोशिश यही रहती है कि जब भी आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाए तो पहले की अपेक्षा और अधिक तरीके से आप उसे समझ पाएँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि राजस्थानी शैली है क्या। इसका समय है 16वीं से 19वीं सदी। राजस्थानी शैली का समय है 16वीं से 19वीं सदी। और राजस्थानी शैली क्या है? तो राजस्थानी चित्रकला लघु चित्रकला की वह शैली है जो मुख्य रूप से 16वीं से 19वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत के, ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी भारत के राजस्थान के स्वतंत्र हिंदू राज्यों में विकसित हुई। जो राजस्थानी शैली है ये पश्चिमी भारत में चली थी, पश्चिमी भारत यानी राजस्थान वाला जो एरिया है वहाँ पर। तो ये आपकी हो गई राजस्थानी शैली। आप समझिए इसका जो नामकरण है उसके पीछे क्या कारण है। राजस्थानी शैली का नामकरण यानी इसका नाम राजस्थानी शैली ही क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या कारण है, तो समझिए यहाँ पर। राजस्थान में पली चित्र शैली के नामकरण पर विद्वानों के विभिन्न मत हैं। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। OC गांगुली, EV हैवल व बसिल ग्रे ने भी इसे राजपूत चित्रकला ही माना है। NC मेहता ने इसे हिंदू चित्रकला कहा है, और ये सभी मत भ्रामक हैं। राय कृष्णदास जी के अनुसार राजपूत शैली मानने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि राजपूत जाति एक शासक जाति थी, जिस कारण ऐसी जाति का प्रभाव समिष्ट रूप से कला पर नहीं पड़ सकता है। अतः राय कृष्णदास ने इसे राजस्थानी शैली नाम दिए जाने के लिए अपना मत प्रकट किया। अब इसे समझिए। देखिए, जो राजस्थानी शैली नाम है ये किस प्रकार से आया है, इसके पीछे क्या रीज़न रहा है। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के अपने अलग अलग मत रहे हैं। आनंद कुमार स्वामी ने इसे राजपूत चित्रकला कहा है। राजपूत चित्रकला क्यों कहा है? क्योंकि जो भी आश्रयदाता राजा थे, यानी जो चित्रकार जिन राजाओं के आश्रय में थे, वो सब राजपूत राजा थे। आप जानते हैं राजस्थान के एरिए में जो भी राजा हुए हैं वो कौन से थे? राजपूत राजा। तो इनका मानना ये था कि राजपूतों के अंतर्गत ये शैली चली है, तो इसका नाम इन्होंने दे दिया राजपूत चित्रकला। और किसने राजपूत चित्रकला माना है? आनंद कुमार स्वामी ने, OC गांगुली ने और EV हैवल तथा बशिल ग्रे ने। फिर आते हैं NC मेहता। इन्होंने इसे कहा है हिंदू चित्रकला, क्योंकि जो भी राजा थे वो हिंदू थे, और उन्हीं के आश्रय में ये शैली, जो राजस्थानी शैली है, पली और अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है। तो इन्होंने कह दिया इसे हिंदू चित्रकला। फिर आते हैं आपके राय कृष्णदास। इन्होंने बाकी के सभी विद्वानों को नकार दिया यानी नहीं माना, और अपना मत प्रकट किया, और इस शैली को क्या कहा? राजस्थानी शैली, क्योंकि ये मुख्य रूप से राजस्थान वाले एरिए में विकसित हुई, वहीं पर पनपी, इसीलिए इन्होंने क्या कहा इसे? राजस्थानी शैली। और यही जो नाम है राजस्थानी शैली, यही नाम आगे चलकर प्रचलित हुआ। ठीक है, कर्नल टार्ड ने भी प्रारंभ में राजपूताने के स्थान पर राजस्थान नाम को ही प्राथमिकता दी थी। अतः संप्रदाय व जाति के नाम पर चित्र संस्कृति का नामकरण ना स्वीकार कर
चित्र समृद्धि के युक्त, चित्र समृद्धि से युक्त इस प्रदेश के नाम पर, प्रदेश यानी कि जहाँ पर जिस एरिया में ये जो शैली है वो चली थी उसके नाम पर इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया और ये नाम अब सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई किसका नाम राजस्थानी शैली कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और इस शैली के और कौन कौन से नाम हैं। तो राजपूत शैली हो गया और हिंदू चित्रकला हो गई, हिंदू शैली हो गई और राजस्थानी शैली। अब समझिए राजस्थानी शैली की पृष्ठभूमि, यानी ये जो राजस्थानी शैली है इसके पीछे की पृष्ठभूमि यानी जो पीछे की भूमिका है वो क्या है। 11वीं से 15वीं शताब्दी में राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में भारतीय चित्रकला गुजराती शैली या जैन शैली या अभ्रंश शैली के रूप में विकसित हुई, जो आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी शैली का उद्भव और विकास हुआ। यानी राजस्थानी शैली के पीछे कौन सी शैली थी, अभ्रंश शैली, और अभ्रंश शैली को ही गुजराती शैली भी कहते हैं, जैन शैली भी कहते हैं। तो इसी से धीरे धीरे आगे बढ़कर इसमें कुछ सुधार हुआ, जो आपकी अभ्रंश शैली थी इसमें कुछ सुधार हुआ, कुछ चीज़ें बदली, कुछ विशेषताएं बदली और फिर जो आगे चलकर नई शैली, जो नई शैली विकसित होती है उसे हम कहते हैं राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका अभ्रंश शैली थी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा कि राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका कौन सी शैली है, तो अपभ्रंश शैली। अब समझिए यहाँ पर कि पूर्व पीठिका क्या होता है। तो राजस्थानी शैली से पहले कौन सी शैली चल रही थी, अपभ्रंश शैली। आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा इसके बारे में कि यहाँ पर परली आंखें बनती थी और जो चेहरे हैं वो सवा चश्म बने हैं, बहुत सारी विशेषताएँ हैं आपने पढ़ रखी होंगी और इन्हीं विशेषताओं को धीरे धीरे अभ्रंश शैली त्याग दी गई और जो नई शैली निकल कर आई वही है राजस्थानी शैली। तो राजस्थानी शैली की पूर्व पीठिका कौन सी शैली हो गई, अभ्रंश शैली। फिर लगभग 15वीं शताब्दी में अभ्रंश शैली अपनी कुछ विशेषताएं त्याग कर एक नई शैली की ओर अग्रसर होती है यानी बढ़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि अभ्रंश शैली ने धीरे धीरे अपनी कुछ विशेषताएं त्याग दी और एक नई शैली की तरफ बढ़ चली और वो नई शैली कौन सी थी, राजस्थानी शैली। इसका प्रथम उदाहरण यानी इसका पहला उदाहरण हमें कहाँ पर मिलता है, तो 1423 में जो सुपाशनाचर्यम ग्रंथ चित्रित किया गया इसमें हमें पहला उदाहरण मिलता है। इस ग्रंथ में दो या तीन विशेषताएं अभ्रंश शैली से हटकर थी, बाकी सभी विशेषताएं अभ्रंश शैली वाली थी। अब इस पॉइंट को समझिए, जो आपका ग्रंथ है 1423 का सुपाशनाचर्यम ये अभ्रंश शैली का है। अब इसमें क्या है, इसमें अभ्रंश शैली ने अपनी कुछ विशेषताएं त्याग दी थी, जैसे कि कौन कौन सी विशेषताएं। इस ग्रंथ में सवा चश्म चेहरे के स्थान पर एक चश्म चेहरा बनने लगा। अभ्रंश शैली में सवा चश्म चेहरा बनता था लेकिन इस ग्रंथ में हमें एक चश्म चेहरा दिखाई दिया और आँखों को सीमा रेखा के अंदर बनाया गया, जबकि अभ्रंश शैली में आप जानते हैं कि परली आँखें बनी हैं यानी सीमा रेखा से बाहर निकली हुई आँखें बनाई गई हैं। और इस ग्रंथ में हम क्या देखते हैं कि जो आंखें बनी हैं वो सीमा रेखा के अंदर बनी हैं। इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं सीमा रेखा का क्या मतलब है, जैसे ये चेहरा बना है इसमें आंखों को इस तरीके से बाहर निकाल देना आपने देखा होगा, इन्हीं को बोलते हैं परली आंखें। तो सीमा रेखा से बाहर आंखें बनाई जाती थी अभ्रंश शैली में, लेकिन जो आपका ग्रंथ है सुपाशनाचर्यम इसमें आंखें बनाई गई हैं सीमा रेखा के अंदर। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि अभ्रंश शैली धीरे धीरे अपनी कुछ विशेषताएं त्याग रही है। धीरे धीरे अभ्रंश शैली में कई परिवर्तन हुए। इसका स्पष्ट प्रमाण हमें 16वीं सदी के पूर्वार्ध में वास्तविक रूप से दिखने लगता है और यहीं से हमें राजस्थानी शैली का वास्तविक और प्रारंभिक स्वरूप दृष्टिगत होता है। यानी धीरे धीरे अभ्रंश शैली ने अपनी बहुत सी विशेषताएँ त्याग दी और 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अभ्रंश शैली ने अपनी अनेक विशेषताएं त्याग दी। और कौन कौन सी विशेषताएं त्याग दी, तो वो समझिए यहाँ पर। पहला है सवा चश्म के स्थान पर एक चश्म चेहरा, यानी सवा चश्म चेहरा अभ्रंश शैली में बनाया जाता था
तो बनने लगा एक चश्म चेहरा। और वस्त्रों व वास्तु का सौंदर्य परक समावेश, वस्त्र यानी कपड़े और वास्तु यानी भवन वगैरह, तो ये भी बनाए जाने लगे। और सौंदर्य परक समावेश यानी बहुत सुंदरता के साथ बनाए जाने लगे, जबकि अभ्रंश शैली में ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर कागज या ताड़पत्र के स्थान पर वशली का प्रयोग। अभ्रंश शैली में आप पढ़े हैं कि जो चित्र बने हैं वो ताड़पत्र पर बने हैं, और जब कागज आ गया तब कागज पर बनने लगे। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वशली का प्रयोग किया जाने लगा। वशली क्या है, कई कागज को एक में जोड़कर, यानी जैसे एक कागज है, इसके ऊपर एक और कागज रख दिया, इसके ऊपर एक और कागज रख दिया, इस प्रकार से मोटा कागज बनाया जाता था जिसे कहते हैं वशली। तो वशली का प्रयोग होने लगा। और मिश्रित रंगों व उत्कृष्ट रंगों का प्रयोग, तो ये सारी विशेषताएं अभ्रंश शैली ने त्याग दी, ठीक है। और अलंकरणों का प्रयोग, अलंकरणों का प्रयोग होने लगा, जबकि अभ्रंश शैली में ऐसा नहीं था। अलंकरण आप समझते हैं बहुत डिज़ाइन वगैरह। शादी अंतराल व्यवस्था के स्थान पर, अभ्रंश शैली में जो अंतराल व्यवस्था थी वो शादी थी, सिंपल थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अनेक खंडों वाली अंतराल व्यवस्था अपनाई जाने लगी। और रेखाओं का कोणीय ना होकर गोलाई लिए होना, और आपने पढ़ा है कि अभ्रंश शैली में रेखाएं कैसी थी, कोणीय रेखाएं थी, ठीक है। और ये विशेषता भी उसने त्याग दी, रेखाएं कोणीय ना होकर गोलाई लिए होने लगी, यानी बहुत ही कर्व रेखाएं इस तरीके से बनाई जाने लगी, लयात्मक रेखाएं बनाई जाने लगी, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो अभ्रंश शैली ने त्याग दी थी और नई विशेषताएं ग्रहण कर चुकी थी। इत्यादि नवीन विशेषताएं राजस्थानी शैली ग्रहण कर चुकी थी। इस प्रकार की विशेषताओं वाले चित्रित ग्रंथ भी यहाँ पर दिए हुए हैं, यानी ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनमें हम ये विशेषताएं देखते हैं। तो पहला है बाल गोपाल स्तुति 1435 का, और महाभारत 1516 का, रागमाला 1523 की, चौर पंचासिका बहुत ही महत्वपूर्ण है जो 1540 का, मृगावती लौर चंदा महापुराण 1540 का, पालम भागवत 1553 का, गीत गोविंद 1586 का, और ढोला मारू 1592 का। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जहाँ पर हमें राजस्थानी शैली का जो स्वरूप है वो दिखाई देता है। उपरोक्त ग्रंथों में हमें राजस्थानी शैली का प्रारंभिक स्वरूप दिखाई देता है, परंतु इसका सबसे ज़्यादा प्रखर प्रमाण या उज्ज्वल स्वरूप हम कह सकते हैं वो कहाँ पर मिलता है, 1540 ईस्वी की चौर पंचासिका में। यानी ये ग्रंथ हैं, इसमें अभ्रंश शैली ने अपनी विशेषताएं त्याग दी थी और जो आपकी राजस्थानी शैली है उसके प्रारंभिक लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपका 1540 में चित्रित चौर पंचासिका है, इसमें हमें राजस्थानी शैली का उज्ज्वल स्वरूप दिखाई देता है, या फिर हमें एक प्रखर प्रमाण मिलता है इसमें चौर पंचासिका में, ठीक है। आप समझिए राजस्थानी चित्रकला की शैलियाँ एवं उपशैलियाँ। अब यहाँ से आपका महत्वपूर्ण स्टार्ट होता है, राजस्थानी चित्रकला का विकास एवं समृद्ध। केवल एक अथवा दो केंद्रों पर ना होकर अनेक दरबारी नगरों, राजधानियों, मंदिरों तथा सामंतों के ठिकानों पर हुआ है। धार्मिक प्रतिष्ठानों के अतिरिक्त दरबारी कवियों, चित्रकारों, संगीतज्ञों, शिल्पाचार्यों आदि के सहयोग से राजस्थानी चित्रकला की अजस्र धारा अनेक रियासती यानी जो रियासतें होती थीं, शैलियों और उपशैलियों में विकसित हुई। यानी जो आपकी राजस्थानी शैली है ये बहुत ही बड़ी है, विस्तृत है, तो इसमें आपको बहुत सारी शैलियाँ अभी देखने को मिलेगी। फिर शैलियों की उपशैलियाँ हैं और उनमें से कुछ आपके सिलेबस में हैं जो आपको बताई जाएंगी। तो अनेक विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गीकरण किए हैं, यानी राजस्थानी शैली को अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। लेकिन भौगोलिक तथा शैलीगत विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए, यानी ध्यान में रखते हुए, विद्वानों ने राजस्थानी चित्र शैलियों को निम्नलिखित चार भागों में डिवाइड किया है। अब वो चार भाग कौन से हैं, तो राजस्थानी शैली के चार भाग हैं मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। ये राजस्थानी शैली के चार भाग हैं। अब इनकी भी उपशैलियाँ हैं,
यानी मेवाड़ के अंतर्गत हम कौन कौन सी उपशैलियाँ पढ़ते हैं? उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, और मारवाड़ में जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर इत्यादि। इनके अलावा और भी हैं, हड़ौती में बूंदी, कोटा, झालावाड़ इत्यादि, ढूंढार में जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी और इत्यादि। तो ये आपकी हो गई राजस्थानी शैली की उपशैलियाँ, और इनमें से आपके सिलेबस में कौन है तो वो आप नोट कर लीजिए, मेवाड़ शैली, ठीक है, जिसका केंद्र है उदयपुर, तो ये आपको पढ़ना है, और मारवाड़ में जोधपुर, किशनगढ़, हड़ौती में आपको बूंदी, कोटा, ढूंढार में जयपुर। मैंने पहले से इनको हाईलाइट कर रखा है, तो ये आपके सिलेबस में है, बाकियों से आपको कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपकी मेवाड़ हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 शैलियाँ आपके सिलेबस में हैं, और हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है मेवाड़ शैली, तो चलिए समझते हैं इसे। मेवाड़ शैली की जगह पर अगर मेवाड़ स्कूल लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपसे मेवाड़ शैली के बारे में ही पूछा जा रहा है। राजस्थानी चित्रकला के उद्भव और विकास में मेवाड़ शैली का प्रमुख स्थान है। आरंभिक राजस्थानी चित्रकला के प्रथम दर्शन का स्रोत मेवाड़ है। मेवाड़ का इतिहास शौर्य, स्वतंत्रता व संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध रहा है। प्राचीन काल में इसे सिबी देश, प्रागवाट, मेदपाट, मीरत कहते थे। ये मेवाड़ के ही अन्य नाम हैं, और मेदपाट से ही मेवाड़ बना है। तो मेवाड़ को प्राचीन काल में क्या कहते थे? सिबी देश, प्रागवाट, मेदपाट और मीरत, जिनमें से जो मेदपाट नाम है यही आगे चलकर मेवाड़ शब्द में परिवर्तित हो गया। मेवाड़ क्षेत्र चित्रकला के प्रति कभी उदासीन नहीं रहा है। यहाँ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में श्रावक प्रतिक्रमण सुती चूड़ी नामक ग्रंथ आता है। यह मेवाड़ में चित्रित प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जो कि अपभ्रंश शैली का है। तो मेवाड़ में चित्रित पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सुती चूड़ी, और ये अपभ्रंश शैली का है, यानी मेवाड़ में चित्रित हुआ अपभ्रंश शैली का ये ग्रंथ है, और यह 1260 में आहाड़ में गुहिल राजा तेज सिंह के समय में चित्रित हुआ था। 1418 में चित्रकला का दूसरा ग्रंथ कल्पसूत्र है, जो सोमेश्वर ग्राम में चित्रित किया गया, और इसके उपरांत सुपासनाचर्यम या नारडो, गीत गोविंद इत्यादि ग्रंथों की रचना हुई। तो ये कुछ प्रारंभिक ग्रंथ हैं जो हमें मेवाड़ से प्राप्त होते हैं। महाराणा कुंभा के काल में भीखम द्वारा चित्रित रसिकाष्टक के 6 चित्र उपलब्ध हैं, जिन्हें हम मेवाड़ी शैली के प्रारंभिक नमूनों के तौर पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी ग्रंथ आपको बताए जा रहे हैं, ये मेवाड़ शैली के प्रारंभिक ग्रंथ हैं। फिर 1592 में महाराणा प्रताप के काल में ढोला मारू ग्रंथ का चित्रण हुआ, और अमर सिंह के समय में चावंड में, चावंड ये एक स्थान है, तो चावंड में निसारदीन ये कलाकार है, इसने 1605 में रागमाला का चित्रण किया, और साहबदीन ने 1628 में रागमाला, 1630 में गीत गोविंद तथा रसिकप्रिया व 1648 में भागवत पुराण आदि ग्रंथ चित्रित किए। तो जो भी ग्रंथ यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं, सभी मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। फिर अगला पॉइंट है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं चित्रकला का विकास, और यहाँ से आपकी महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़िएगा, क्योंकि राजस्थानी शैली उतनी ईजी नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। अभी तो आप मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं, जब सभी शैलियाँ पढ़ लेंगे, सबकी विशेषताएँ पढ़ लेंगे, तो विशेषताएँ ऐसे मिक्स होती हैं जैसे चने की दाल में अरहर की दाल, यानी आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन सी विशेषता किस शैली की है। तो अभी से आप समझते हुए पढ़िए, ताकि आगे चलकर आपके लिए इस प्रकार की कोई समस्या ना आए, ठीक है। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि मेवाड़ शैली का क्या इतिहास रहा है, कौन से राजाओं ने यहाँ पर शासन किया, और किसने अपने शासन काल में चित्रकला में क्या काम करवाया है, तो वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, और कैसे कैसे चित्रकला का विकास हुआ, यानी मेवाड़ी शैली का या फिर मेवाड़ की चित्रकला का कैसे कैसे विकास हुआ, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे। अब समझिए,
728 ईस्वी में बापा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की और उन्हीं के वंशज महाराणा कहलाए। महाराणा कुंभा जिनका समय दिया हुआ है 1433 से 1468 ईस्वी, इनका शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में स्वर्णयुग कहा जाता है। तो महाराणा कुंभा थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। इनका जो समय है यानी शासनकाल का जो समय है उसे मेवाड़ के इतिहास में स्वर्णयुग मानते हैं। महाराणा कुंभा स्वयं कवि थे, कला संरक्षक राजा थे और संगीतज्ञ थे। इन्हीं के शासनकाल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण ये सभी ग्रंथ हैं, और ये जो देवता मूर्ति प्रकरण ग्रंथ है ये मूर्ति कला से संबंधित है। फिर राजवल्लभ मंडन ये संगीत कला से संबंधित है, प्रसाद मंडन ये स्थापत्य कला से संबंधित है, और रूप मंडन ये चित्रकला से। तो ये सभी ग्रंथ महाराणा कुंभा के शासनकाल के समय में लिखे गए, और किसने लिखे तो मंडन ने। महाराणा कुंभा के स्वरचित ग्रंथ यानी महाराणा कुंभा के द्वारा कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं तो संगीत राज ये महाराणा कुंभा ने लिखा है, और इसमें इन्होंने नाट्यशालाओं का उल्लेख किया है। महाराणा कुंभा के पश्चात राणा सांगा राजा बने, जिनका समय दिया हुआ है 1509 से 1528 ईस्वी। राणा सांगा के पुत्र भोजराज का विवाह मीराबाई से हुआ था जो कि वैष्णव भक्त थी। इस समय वैष्णव संप्रदाय अपने पूर्ण यौवन पर था यानी अपने चरमोत्कर्ष पर था। मीराबाई के द्वारा गाए गए भक्तिपद आज भी गुजरात बुंदेलखंड तथा राजस्थान के लोकप्रिय गीत बने हुए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण भक्ति से संबंधित इन्होंने पद भी गाए जो कि आज के समय में भी प्रचलित हैं, और आप सभी ने हिंदी के सिलेबस में मीराबाई के पद पढ़े भी होंगे। इसके बाद में राजा होते हैं राणा उदय सिंह, इनका समय दिया हुआ है 1537 से 1572 ईस्वी। इन्होंने अकबर के आक्रमणों का सामना तो किया परंतु अंत में उन्हें अपनी राजधानी चित्तौड़ को छोड़ना पड़ा और नवीन राजधानी उदयपुर स्थापित की। यहीं से मेवाड़ शैली का जो नया केंद्र है वो उदयपुर बनता है, और उदयपुर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मेवाड़ चित्र शैली का प्रमुख केंद्र है। इस समय में बने चित्रों में भागवत पुराण का पारिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है, इसे सही कर लीजिए, यहाँ पर नाना राम है। तो राजा उदय सिंह के समय में भागवत पुराण का एक चित्र बना जिसका नाम है पारिजात अवतरण, इसे बनाया था नाना राम नामक चित्रकार ने। और राणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी हैं महाराणा प्रताप, इनका समय है 1572 से 1597। इन्होंने मुगलों से लोहा लिया और छप्पन की पहाड़ियों में स्थित चावंड को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में मुगल शैली से प्रभावित सचित्र ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ है ढोला मारू जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस प्रकार मेवाड़ के बदलते राजनीतिक परिवेश में कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, चावंड एवं उदयपुर प्रारंभिक मेवाड़ी चित्रकला के केंद्रों में उभरे। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि राजा अपनी राजधानी एक जगह से दूसरी जगह बसा रहे हैं, जिससे क्या है चित्रकला के जो केंद्र हैं वो भी अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जैसे कि चित्तौड़गढ़ हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, चावंड हो गया, उदयपुर हो गया, और उदयपुर तो आपका महत्वपूर्ण रहेगा। फिर राणा अमर सिंह प्रथम, इनका समय है 1597 से 1620 ईस्वी। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकारी और इस काल में सन 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित हुए। चावंड ये एक स्थान है, तो चावंड में रागमाला चित्रित हुई 1605 में। इन चित्रों को निसारदीन नामक चित्रकार ने चित्रित किया। किसने बनाया? निसारदीन चित्रकार ने। इन चित्रों पर मुगलिया प्रभाव छन छन कर आने लगा। यहाँ पर छन छन का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो मुगल शैली का प्रभाव है वो धीरे धीरे यहाँ के चित्रों पर भी पड़ने लगा। और यह सिलसिला कर्ण सिंह व जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में और भी बढ़ता चला गया, यानी मुगल शैली का जो प्रभाव है वो मेवाड़ के चित्रों पर आना, ये सिलसिला धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया। और अमर सिंह के प्रथम पुत्र कर्ण सिंह, अमर सिंह के जो पुत्र हैं कर्ण सिंह, इनका समय दिया हुआ है 1620 से 1628 ईस्वी। इनके समय में मुगलों से और पर्याप्त संबंध स्थापित हुए, यानी जो कर्ण सिंह राजा हैं इन्होंने
मुगलों से और अच्छे संबंध स्थापित किए और इस काल में स्थापत्य कला का अधिक विकास हुआ, यानी भवन निर्माण इत्यादि चीज़ें अधिक विकसित हुई। और कर्ण सिंह के उत्तराधिकारी राजा जगत सिंह प्रथम हुए, जिनका समय दिया हुआ है 1628 से 1625। ये समय पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनके समय को आप याद रखिएगा, बाकी ज़्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो इनके समय में साहित्य और स्थापत्य कला एवं संस्कृति के महान उन्नायकों में से एक थे। जो राजा जगत सिंह हैं इनका जो शासनकाल है ये चित्रकला की दृष्टि से विशेष रहता है, और इस काल में चित्रित रागमाला जो कि 1628 की है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अब यहाँ पर जो आपको ग्रंथ बताए जा रहे हैं, जैसे रागमाला का चित्रण, गीत गोविंद का चित्रण, तो एक बार आप समझ लीजिए कि ये एक ग्रंथ है जिसके चित्र अलग अलग चित्रकारों ने अलग अलग समय में बनाए हैं। जैसे कि आपकी महाभारत होगी, तो महाभारत का चित्र किसी चित्रकार ने बनाया, फिर दोबारा किसी चित्रकार ने बनाया, चाहे तो आप भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो वैसे ही गीत गोविंद और रागमाला ये भी ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया हो गई, तो ये सभी ग्रंथ हैं, इनके जो चित्र हैं वो अलग अलग चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पर भी रागमाला चित्रित हो रही है और आगे जाकर फिर से रागमाला चित्रित हो रही है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। उसके बाद में रसिक प्रिया का चित्रण होता है 1630 में, और ये महाराजा बीकानेर संग्रहालय में संग्रहित है। इसके बाद में राजा बनते हैं महाराणा जगत सिंह एवं महाराणा राज सिंह। इनका समय चित्रकला तथा अन्य कलाओं के विकास की दृष्टि से स्वर्णयुग रहता है। फिर राणा राज सिंह प्रथम, जिनका समय है 1652 से 1680 ईस्वी। पहले तो मुगलों से मिले रहे, मतलब ये जो राज सिंह हैं पहले तो ये मुगलों से मिले रहे, लेकिन बाद में क्या होता है, जब औरंगजेब राजा बनता है तो उसकी नीतियों से, उसकी जो नीतियाँ थी बहुत, मतलब बेकार नीतियाँ थी, आप ये समझ लीजिए वो बहुत क्रूर शासक था। तो औरंगजेब की नीति से मुगलों के ये विरुद्ध हो गए और उसने मुगलों की अधीनता त्याग दी, यानी जो राणा राज सिंह हैं इन्होंने मुगल अधीनता त्याग दी और सिहार गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करवाई। यह स्थान आगे चलकर श्रीनाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जो आपके राजा राज सिंह प्रथम हैं, जिनका समय 1652 से 1680 ईस्वी दिया हुआ है, ये महत्वपूर्ण हैं और इनके समय में जो भी काम हुए हैं वो ध्यान रखिएगा। इन्होंने मुगल अधीनता त्याग दी थी और इन्होंने क्या किया था, सिहाड़ नामक गांव में श्रीनाथ जी की मूर्ति, जो कि भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, तो ये मूर्ति स्थापित करवाई और वही स्थान आगे चलकर नाथ द्वारा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि शैली भी है, नाथ द्वारा शैली, और आपके सिलेबस में शायद ये नहीं है। फिर महाराणा जय सिंह तथा अमर सिंह द्वितीय ने भी मेवाड़ की चित्र परंपरा को विकसित करने में अपना सहयोग दिया और इनके काल में शिव प्रसन्न एवं अमर विलास महल मुगल स्थापत्य पर आधारित हैं। यानी इनके समय में जो स्थापत्य में काम हुआ, शिव प्रसन्न महल बना और अमर विलास महल बना, इनको ध्यान रखिएगा। फिर महाराणा संग्राम सिंह, जिनका समय है 1710 से 1734 ईस्वी, इनके समय में मुगल प्रभाव मेवाड़ की चित्रकला पर स्पष्ट रूप से झलकने लगता है। यानी पूर्ण रूप से जो मुगल प्रभाव है वो हमें मेवाड़ की शैली पर दिखाई देता है, किसके समय में, महाराणा संग्राम सिंह के समय में। फिर मेवाड़ के इतिहास का अंतिम चरण महाराणा भीम सिंह का है, जिनका समय है 1777 से 1828 ईस्वी, जो चित्रकला के लिए विशेष उल्लेखनीय है और इस काल में भित्ति चित्रों का अधिक निर्माण हुआ। यानी जो महाराणा भीम सिंह हैं इनके समय में भित्ति चित्र अधिक बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं कि किस राजा ने कला में क्या काम करवाया, किसके समय में कौन सा ग्रंथ चित्रित हुआ, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब समझिए यहाँ पर मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकार। तो चित्रकारों में हैं साहबदीन, निसारदीन, मनोहर, भीखम, भक्ता और जगन्नाथ नानाराम। तो ये कुछ प्रमुख चित्रकार हैं जो कि मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। फिर आते हैं मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र। तो कृष्ण दावानल ग्रस्ते हुए, यानी कृष्ण को आग निकलते हुए दिखाया गया है, कृष्णा ईटिंग फायर, और कृष्ण कालियानाग के पास, कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, जिससे हम गोवर्धनधारी कृष्ण कहते हैं,
और मुरली मनोहर कृष्ण हिंडोला राग। इस चित्र में नायक नायिका को झूला झूलते हुए दिखाया जाता है। फिर है मारू रागिनी। इस चित्र में जो नायक नायिका हैं उनको रेगिस्तान की भूमि पर ऊंट पर बैठे हुए दिखाया जाता है और इसमें जो नायक नायिका हैं वो राजा रानी हैं। फिर है राजा भीम सिंह का जुलूस, बसंत रागिनी और मीरा का चित्र, स्नान कृष्ण को स्नान कराती माँ यशोदा, दर्पण में मुख देखते हुए मित्रों का संरक्षण, ये कहानी पंचतंत्र से ली हुई है। और राजा अमर सिंह हुक्का पीते हुए कुत्ते के साथ में दिखाए गए हैं। यमुना तट पर ग्वालों के साथ लीला, कृष्ण राधा की प्रतीक्षा करते हुए, ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे जो मेवाड़ शैली से संबंधित हैं। अब समझिए यहाँ पर मेवाड़ शैली के चित्रों की विशेषताएं, जो कि खूब पूछी जाती हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों की क्या विशेषताएं हैं? तो सभी विशेषताएं हम पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है प्रकृति, यानी प्रकृति को यहाँ पर चित्रित किया गया है या नहीं चित्रित किया गया है, और अगर चित्रित किया गया है तो किस प्रकार से दिखाया गया है। समझिए, मेवाड़ के चित्रकारों ने प्रकृति को अलंकारिक रूप में चित्रित किया है। कैसे चित्रित किया है? अलंकारिक रूप में। पर्वत तथा चट्टान इत्यादि को बनाने में आलेखन और अलंकरण को ही महत्व प्रदान किया गया है, जो मुगल तथा फारसी शैली में अंकित हैं। पृथ्वी को ज़्यादातर लाल, हरे, पीले रंग से चित्रित किया गया है। कुंजों, लताओं, वृक्षों एवं पुष्पों की अधिकता है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो अलंकारिक है। अलंकारिक का मतलब होता है उसमें बहुत ज़्यादा अलंकरण किया गया है, डिज़ाइन वगैरह बनाई गई हैं। जैसी प्रकृति होती है यथार्थ रूप में, वैसे नहीं दिखाया है, अलंकारिक रूप में चित्रित किया है। नेक्स्ट है पुरुषाकृति तथा आभूषण, यानी यहाँ के जो पुरुषाकृतियाँ हैं वो कैसी बनी हैं और उनके जो आभूषण हैं वो किस प्रकार से दिखाए गए हैं। तो पुरुष मानव आकृतियाँ लंबे चेहरे वाली हैं, लंबी हैं, चेहरा गोल है व मुख अंडाकार है। मुख पर बड़ी बड़ी मूछें दिखाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। नेत्र विशाल हैं, आंखें विशाल हैं। सिर पर मेवाड़ी पगड़ी, कानों में मोती और गले में मड़ियों के हार तथा लंबा जामा है। जामा एक प्रकार का वस्त्र होता है। कमर में दुपट्टा, पायजामा और जूतियां पहने हुए दिखाया गया है, जो कि राजसी वैभव को दर्शाती हैं। फिर अगला यहाँ पर पॉइंट है स्त्री आकृतियाँ तथा आभूषण, वस्त्र आभूषण, यानी स्त्री आकृतियाँ किस प्रकार से बनी हैं, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं। तो मेवाड़ी स्त्रियाँ कुछ छोटी और नाटी हैं, छोटी नाटी बनी हैं, यानी उनकी लंबाई बहुत अधिक नहीं है। स्त्रियों की आँखें कैसी हैं? मीनाकृति हैं, ध्यान रखिएगा, मीनाकार आँखें हैं। और लहंगा पहने हुए दिखाया गया है, पारदर्शक चुनरी है, जो चूनड़ है वो पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है। कमर तक चोली है और कपोलों पर झूलते केस, यानी गालों पर जो बाल की लटे हैं वो दिखाई गई हैं। लंबी नाशिका है, नथ युक्त है, यानी नाक में नथ पहने हुए दिखाया गया है। और आभूषणों में स्त्रियां कर्ण फूल पहने, यानी काल जो कान है उसमें भी इन्होंने आभूषण पहन रखा है। कंगन पहने हुए हैं, बाजूबंद पहने हैं और पायल भी पहने हुए दिखाया गया है। फिर आता है विषय, यानी मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन से विषयों को चित्रित किया गया है। मेवाड़ शैली में विभिन्न प्रकार के विषयों का समावेश है, जैसे कि बिहारी सतसई, सूरसागर, पंचतंत्र के उपाख्यान और कादंबरी की अद्भुत कथा, पृथ्वीराज रासो, गीत गोविंद, रसप्रिया, कवि प्रिया, मधुमालती, नल दमयंती इत्यादि अनेक कथाओं और कविताओं को चित्रित किया गया है। ये सभी आपकी कविताएँ हैं, कथाएँ हैं, तो इनके चित्र बनाए गए हैं। चित्रकार द्वारा अंकित ग्राम्य जीवन, यानी जो ग्रामीण जीवन है, दरबार यानी राज दरबार की चीज़ें दिखाई हैं, जुलूस यानी राजाओं के जो जुलूस निकलते हैं, विवाह, उत्सव, संगीत, नृत्य, अंतःपुर यानी जहाँ पर रानियाँ रहती हैं वहाँ के दृश्य भी दिखाए गए हैं, युद्ध दृश्य को दिखाया गया है, आखेट यानी कि जो शिकार होता है, शिकार संबंधी दृश्य बनाए गए हैं, स्त्रियों के जल विहार, नौका विहार और कांटा निकालते, घोड़ों की दौड़, दीपावली, होली के उत्सव, नायिका भेद यानी अनेक प्रकार की नायिकाएं दिखाई गई हैं, और राग रागिनी, चित्रावली,
राग रागिनी चित्रावली, रामायण एवं कृष्ण लीला प्रमुख विषय रहे हैं। तो ये हो गए मेवाड़ शैली के प्रमुख विषय, इन्हें ध्यान रखिएगा। फिर बात आती है हाशियों की। हाशिया आप समझते हैं, तो हाशिया प्रायः लाल रंग के बनाए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिंगुल और सिंदूरी रंग के मिश्रण से भी यहाँ पर काम किया गया है। कहीं कहीं हाशिए सपाट हैं और लाल या पीली सादी पट्टियों से बना दिए गए हैं। फिर आती है भवनों की बात, तो भवनों को सफ़ेद रंग से चित्रित किया गया है, जो कि मुगल कालीन है। भवनों को शिखर, छज्जे एवं चबूतरे गुंबदाकार बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि महल यहाँ पर कैसे बने हैं, सफ़ेद रंग के बने हैं, जिन पर मुगल शैली का प्रभाव है। रात्रि दृश्य यानी रात के दृश्य भी यहाँ पर अंकित हुए हैं। गहरी नीली या धुएं की रंग की पृष्ठभूमि में सफ़ेद बिंदुओं को लगातार चित्रकार ने तारों से पूर्ण रात्रि का दृश्य चित्रित किया है। कहीं कहीं रात्रि में तारों के साथ चंद्रमा भी अंकित है। तो मेवाड़ शैली में रात के दृश्य भी दिखाए गए हैं, जिनमें सफ़ेद बिंदियाँ रख दी गई हैं, और सफ़ेद बिंदियों से क्या दिखाने का प्रयास किया गया है, तारों को, और कहीं कहीं तारों के साथ चंद्रमा को भी दिखाया गया है। फिर बात आती है पशु पक्षियों की, यानी मेवाड़ शैली में जो पशु पक्षी बने हैं वो कैसे बने हैं। तो पशु पक्षी चित्रण में कलाकारों ने अभ्रंश शैली की ही नकल की है, यानी अभ्रंश शैली में जिस प्रकार से नकली पशु पक्षी दिखाए गए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दिखाए गए हैं। नकली का मतलब है बहुत यथार्थ नहीं बने हैं, खिलौने के समान पशु पक्षी बने हैं, तो वैसे ही मेवाड़ शैली में भी दिखाए गए हैं। वे अलंकारिक ढंग से निर्मित हैं, यानी कि यथार्थ नहीं है, अलंकारिक ढंग से डिज़ाइन ज़्यादा की गई है। किंतु मुगल प्रभाव के कारण हाथी, घोड़ों, हिरण, कुत्तों इत्यादि में यथार्थता एवं भावुकता दर्शाई गई है, और पक्षियों में चकोर, हंस व मयूर प्रमुख हैं। देखिए, जो यहाँ पर शुरुआत के चित्र हैं पशु पक्षियों वाले, वो तो कैसे हैं, अभ्रंश शैली के समान हैं, यानी नकली हैं। नकली का मतलब है खिलौने के समान है। लेकिन बाद में जब मेवाड़ शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ता है, तब यहाँ के जो पशु पक्षी हैं उनमें थोड़ा सा सुधार होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि हाथी, घोड़ों, हिरण, कुत्तों, इन सब में थोड़ी सी यथार्थता और भावुकता भी दर्शाई गई है। और पक्षियों में प्रमुख रूप से चकोर, हंस और मयूर का अंकन किया गया है। फिर अगला पॉइंट है परिप्रेक्ष्य। तो चित्र की मुख्य घटना की ओर दृष्टि केंद्रित करने के लिए, यानी जो मुख्य घटना चित्र की है उसकी तरफ दर्शक का ध्यान जाए, इसके लिए क्या किया गया है, प्रमुख घटना को प्रायः चित्र के मध्य में और गौण घटनाओं को प्रायः इधर उधर संयोजित करने की चेष्टा की गई है। अगला पॉइंट है रंग। तो रंग यहाँ पर कैसे लगाए गए हैं, अधिकांशतः चटकीले रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रों में लाल, पीले, लाजवर्दी, ये नीला रंग होता है, और हरा, जोगिया, श्वेत और काले रंगों का प्रयोग हुआ है। स्वर्ण रंगों को बादलों में बिजली की चमक दिखाने में और पुरुषों के मुकुटों में स्त्रियों के आभूषण एवं उनके वस्त्रों के किनारों में प्रयोग किया गया है। तो मेवाड़ शैली में रंग चटक लगाए गए हैं और यहाँ पर स्वर्ण रंगों का भी प्रयोग किया गया है। स्वर्ण रंग कहाँ कहाँ पर लगाया गया है, तो जब बादल में बिजली दिखानी होती है वहाँ पर लगाया गया है, और जो आभूषण बनाए गए हैं, आभूषण सोने के ही दिखाए जाते हैं, तो वहाँ पर स्वर्ण रंगों का इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो वस्त्र बनाए जाते हैं, वस्त्र के जो किनारे होते हैं, वहाँ पर स्वर्ण रंगों का इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर आपकी मेवाड़ शैली समाप्त होती है। फिर अगला टॉपिक है यहाँ पर मारवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली, दोनों एक ही नाम हैं। आप समझिए इसे, सबसे पहले आप ये जानिए कि मारवाड़ की स्थिति क्या है, कहाँ स्थित है। तो समझिए इसे, मारवाड़ मुगल काल में राजस्थान का एक विस्तृत राज्य था। साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि मारवाड़ किसी समय समुद्राच्छादित था, यानी समुद्र से घिरा हुआ था। मरु प्रदेश में उपलब्ध नमक की झीलों, फलों, शंख, सीप आदि के उपलब्ध रूपों से यहाँ पर तेठी सागर के होने के अनुमान लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर नमक की झीलें मिली हैं, शंख मिले हैं, सीप आदि चीज़ें उपलब्ध हुई हैं, जिससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि किसी समय में यहाँ पर तेठी सागर होगा। ठीक है, रामायण में भी इसका उल्लेख है,
और इस प्रदेश में पहले समुद्र था जो राम के अग्न्यास्त्र से शुष्क हो गया था। रामायण में भी यह कहा गया है कि इस प्रदेश में अभी जाति निवास करती थी। तो ये हो गया आपका मारवाड़, ठीक है। अब समझिए मारवाड़ के अन्य नाम। तो मारवाड़ को मरुस्थल, मरुभूमि, मरुप्रदेश आदि नामों से जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई का जन्म मारवाड़ में हुआ था। और मीराबाई को आप सभी जानते हैं, कृष्ण भक्त थीं। वे अपनी सुंदर भक्ति रचनाओं के लिए आज भी प्रसिद्ध हैं। तो ये था आपका मारवाड़। और जोधपुर नगर राठौर राव जोधा जी ने 1458 में बसाया था। जो आपका जोधपुर नगर है, इसकी स्थापना राव जोधा जी ने 1458 में की थी। प्रारंभ से ही जोधपुर नगर राठौरों की राजधानी होने के कारण कला एवं संस्कृति का केंद्र भी रहा है। जोधपुर राज्य तथा यहाँ के विभिन्न ठिकानों में विकसित होने वाली चित्रकला मारवाड़ या फिर जोधपुर शैली के नाम से जानी जाती है। तो जोधपुर राज्य में जो चित्रकला विकसित हुई उसे मारवाड़ चित्रकला या फिर जोधपुर चित्रकला या फिर आप कह लीजिए जोधपुर शैली, तो इन नामों से जानी जाती है। अब अगला पॉइंट है प्रारंभिक चित्रकला के नमूने, यानी जोधपुर शैली के कौन से ऐसे चित्रित ग्रंथ हैं जहाँ से हमें चित्रकला के प्रारंभिक अवशेष मिलना शुरू होते हैं। तो जोधपुर चित्र शैली का पूर्व रूप मंडोर के पाषाण अर्धचित्रों में दृष्टिगत होता है। पाषाण यानी कि पत्थर। लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चितेरे का उल्लेख किया है जिसने पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। लामा तारानाथ ये एक तिब्बती इतिहासकार हैं। इन्होंने क्या बताया है कि मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चितेरे का इन्होंने उल्लेख किया है और इसी चितेरे ने, चितेरा यानी कि चित्रकार, इसी चित्रकार ने भारत में यक्ष शैली को भी जन्म दिया। यह मरुदेश राजा शील के राजाश्रय में था। इससे सिद्ध होता है कि मारवाड़ में चित्रकला अत्यंत प्राचीन काल से थी यहाँ पर, ठीक है। इसके प्रारंभिक अवशेष हमें औघ निरुक्त वृत्ति जिसका समय है 1060 ईस्वी, तो इसमें दिखाई देते हैं। इसी कारण आगे चलकर अभ्रंश शैली के चित्रों का विकास भी मारवाड़ में देखा जा सकता है। यहाँ पर जो ग्रंथ आपको बताया गया है औघ निरुक्त वृत्ति, ये अपभ्रंश शैली का है जो कि 1060 ईस्वी में चित्रित हुआ था। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जो हमें, जो आपकी मारवाड़ शैली है उसके प्रारंभिक नमूनों के रूप में दृष्टिगत होते हैं। और इसके पश्चात जिन प्रारंभिक चित्रों से मारवाड़ की जो स्पष्ट छाप है वो उजागर होती है उनमें कौन से ग्रंथ हैं, तो आपका हो गया भागवत पुराण जिसका समय है 1610 ईस्वी, पाली रागमाला जिसका समय है 1623 ईस्वी, ढोला मारू जिसका समय दिया हुआ है 1630 ईस्वी और रसिक प्रिया प्रमुख हैं। तो ये कुछ ग्रंथ हैं जहाँ से हमें मारवाड़ी चित्रों की जो शुरुआत है वो देखने को मिलती है। चित्रों में निम्न विशेषताएं होती थी। रंग योजना अभ्रंश शैली से भिन्न है, संयोजन में भी विविधता दिखाई देती है। ये चित्र मारवाड़ में मुख्यतः पाली व उसके आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है ऐतिहासिक पीठिका एवं चित्रों का विकास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग यहाँ पर क्या समझेंगे कि जो आपकी मारवाड़ शैली है उसका क्या इतिहास है, कौन कौन से यहाँ पर राजा हुए जिन्होंने चित्रकला का, जो चित्रकला है उसको प्रोत्साहन दिया, चित्रकारों को अपने यहाँ आश्रय दिया और चित्रकला को बढ़ावा दिया, तो कैसे कैसे मारवाड़ में चित्रकला का विकास होता है, सभी पॉइंट्स यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। तो शुरुआत से समझते हैं। मारवाड़ शैली के पूर्ण विकास का काल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक रहता है। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन परिवेश देने का श्रेय मालदेव को जाता है जिनका समय दिया हुआ है 1532 से 1568, ठीक है, ये मालदेव का समय है। मालदेव से पूर्व मारवाड़ की चित्रकला पर
मेवाड़ का प्रभाव था, यानी जो आपके मालदेव हैं राजा, इनसे पहले जो मारवाड़ की चित्रकला थी इस पे मेवाड़ का ही प्रभाव था। लेकिन राजा मालदेव के बाद में जो चित्रकला शुरू होती है उसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिलता है, और यही बदलाव आगे चलकर मारवाड़ शैली के रूप में तब्दील हो जाता है। इस काल की प्रतिनिधि चित्र शैली के उदाहरण हमें चौखे का महल तथा चित्रित उत्तराध्ययन सूत्र से प्राप्त होते हैं, जो कि बड़ौदा म्यूजियम में संरक्षित हैं। फिर आगे राजा कौन होते हैं? मालदेव के पश्चात राजा सूर सिंह, जिनका समय दिया हुआ है 1568 से 1618। इनके समय में अनेक चित्र उपलब्ध हुए। सूर सिंह कला प्रेमी शासक थे। इनके राज्यकाल में सचित्र ग्रंथ ढोला मारू, रसिक प्रिया तथा भागवत पुराण का नाम विशेष उल्लेखनीय है। और सूर सिंह के बाद में राजा होते हैं गज सिंह, जिनका समय है 1618 से 1632। इनके समय में जोधपुर शैली विकास की ओर उन्मुख होती है। महाराजा गज सिंह के सहृदयी साहित्यिक एवं प्रगतिशील स्वभाव के कारण वे अनेक कवियों को आश्रय दिया। इन्होंने अनेक कवियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। और इनके समय में कौन कौन से ग्रंथ चित्रित हुए? ढोला मारू, भागवत इत्यादि ग्रंथ इनके समय में चित्रित होते हैं। इसके बाद में राजा बनते हैं महाराजा जसवंत सिंह, जिनका समय है 1638 से 1678। कला एवं साहित्य के संरक्षक थे। जसवंत सिंह स्वयं कवि थे। इनके समय में मारवाड़ कृष्ण भक्ति परंपरा का गढ़ रहा, और इसीलिए यहाँ पर कृष्ण चरित्र को आधार बनाकर सैकड़ों चित्रों की रचना हुई। और जो जसवंत सिंह हैं इनके बाद में राजा बनते हैं महाराजा अजीत सिंह, जिनका समय है 1707 से 1724 ईस्वी। मारवाड़ शैली का स्वतंत्र रूप महाराजा अजीत सिंह के समय में प्रारंभ होता है। स्वतंत्र रूप का मतलब है कि जो मारवाड़ शैली है उसकी अपनी अलग से विशेषताएं झलकने लगती हैं। अजीत सिंह के शासनकाल के चित्र संभवतः मारवाड़ शैली के सबसे सुंदर एवं प्राणवान चित्र हैं। इनके विषय श्रृंगार रस के प्रसिद्ध काव्य रसिक प्रिया और गीत गोविंद इत्यादि हैं। यानी महाराजा अजीत सिंह के समय में जो चित्र बने वो श्रृंगार रस के थे, जिनमें से रसिक प्रिया और गीत गोविंद इन ग्रंथों का यहाँ पर चित्रण हुआ। महाराजा अभय सिंह, इनका समय है 1744 से 1749। महाराजा अजीत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होंने अपने शासनकाल में कला की परंपरा को अपने पूर्वजों की तरह ही समान रूप से प्रोत्साहित किया। महाराजा अभय सिंह संगीत, नृत्य, चित्रकला तथा साहित्य के पोषक थे। इन्होंने राधा कृष्ण, ढोला मारू विषयक चित्रों का निर्माण करवाया। और फिर अगले राजा हैं घाड़े राव भक्त सिंह, जिनका समय है 1724 से 1752 ईस्वी। इनके समय क्रमशः जोधपुर व नागौर में अनेक सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ, और राज्य संग्रहालय में भक्त सिंह का भी सभी है। चौड़े माथे पर तिलक, लंबी मूछें व कलमें और कमर में ढाल व तलवार की म्यान लगी है। एक हाथ में तलवार एवं एक हाथ में आभूषण है। राजा आभूषणों से अलंकृत हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भक्त सिंह हैं इनकी भी एक सभी मिली है। सभी यानी कि पोर्ट्रेट, व्यक्ति चित्र, वो प्राप्त हुआ है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई गई हैं तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है। हाथ में कड़े हैं, बाजू बंद है, हार है, कान में बूंदे पहने हुए हैं और पगड़ी पर पेटी एवं अंगुलियों में अंगूठियां हैं। तो ये सब उनके चित्रों की विशेषताएं हैं। भक्त सिंह के पुत्र विजय सिंह, जिनका समय है 1753 से 1793, वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने राधा कृष्ण, नायक नायिका के अनेक सुंदर चित्रों को बनवाया। उन्होंने ही गंग श्याम जी के मंदिर में भित्ति चित्र भी बनवाए। भित्ति चित्र क्या होते हैं? तो जो चित्र दीवार पर बनते हैं। तो विजय सिंह ने जो गंग श्याम मंदिर है वहाँ पर भित्ति चित्रों का भी निर्माण करवाया। और यही चित्र परंपरा महाराज भीम सिंह के समय तक चलती है,
जिनका यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 1793 से 1803। भीम सिंह के राज्यकाल में मुख्यतः व्यक्ति चित्र, दरबार एवं जुलूस से संबंधित जो चित्र हैं वो अधिक बने हैं। 1800 में निर्मित दशहरा दरबार जोधपुर शैली का सुंदर उदाहरण है, जो कि महाराज भीम सिंह के समय में बना था। और ये जो चित्र है दशहरा दरबार, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर आपके राजा होते हैं महाराजा मान सिंह, इनका जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1803 से 1843 तक ये राजा रहते हैं। इनके शासनकाल को जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष माना जाता है, यानी सबसे बढ़िया चित्र किसके समय में बनते हैं, महाराजा मान सिंह के समय में। इसीलिए इनके समय को जोधपुर शैली का चरमोत्कर्ष मानते हैं। महाराजा मान सिंह स्वयं कला प्रेमी राजा थे, यानी कला को पसंद करते थे। इन्होंने ही कर्नल टाड को मारवाड़ का इतिहास लिखने में मदद की थी। नाथ संप्रदाय में आस्था होने के कारण मान सिंह के काल में नाथ संप्रदाय पर बड़ी संख्या में पुस्तकें लिखी गईं। नाथों से संबंधित चित्रों का निर्माण हुआ और इस समय के प्रमुख चित्रकारों में, यानी महाराजा मान सिंह के समय में कौन कौन से चित्रकार थे जो काम करते थे, तो अमरदास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधोदास, राम सिंह भाटी इत्यादि हैं। और इनके बाद में राजा होते हैं मान सिंह के बाद महाराजा तख्त सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठे और उन्होंने पुनः यानी दोबारा से कृष्ण विषयक चित्रों का निर्माण करवाया। इस समय नाथ संप्रदाय प्रभावहीन हो चुका था, यानी अब नाथ संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव नहीं रह गया था। जोधपुर के किले के तख्त विलास तथा तीजा माजी के मंदिर में सुंदर चित्र बने, लेकिन उनके समय में जयपुर की छाया प्रकाश वाली चित्र शैली जोधपुर में छाने लगी और इस प्रकार अब यह शैली पतन उन्मुख हो गई, यानी जो जयपुर शैली है इसका प्रभाव मारवाड़ तक फैलने लगा, यानी जो जोधपुर शैली है यहाँ तक फैलने लगा और धीरे धीरे जोधपुर शैली समाप्त हो गई। फिर आगे आते हैं जोधपुर शैली के चित्रकार, तो यहाँ पर अमरदास भाटी और राम सिंह भाटी, शिवदान भाटी, दाना भाटी, छज्जू भाटी, फतेह मोहम्मद, फैज़ अली, गोपी कुमार और डालचंद, तो ये कुछ चित्रकार हैं जो जोधपुर शैली के अंतर्गत काम किए हैं। और इसमें जो कुछ चित्रकारों में भाटी शब्द लगा है ये इनकी जाति है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब समझिए जोधपुर शैली के चित्र। तो पहला चित्र है ढोला मारू, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। फिर दो शहेलियाँ कांटा निकालते हुए, दशहरा दरबार, संगीत का आनंद लेते हुए राजा मान सिंह, और डाल पकड़कर झूला झूलते स्त्री, कबूतर उड़ाती स्त्रियाँ, स्त्री हुक्का पीते हुए, राजकुमारी सखियों के साथ चौगान खेलते हुए, मान सिंह महिलाओं के साथ स्नान करते, तैरते, झूला झूलते हुए, यानी राजा मान सिंह जो हैं इनको महिलाओं के साथ में स्नान करते दिखाया गया है, तैरते हुए दिखाया गया है और झूला झूलते हुए दिखाया गया है अलग अलग चित्रों में। फिर गुड़कली रागिनी और गुजरी रागिनी इत्यादि, तो ये सब चित्र हैं जो कि जोधपुर शैली के हैं। फिर अगला पॉइंट आता है, यहाँ पर आप मेवाड़ की जगह पर जोधपुर कर लीजिए, जोधपुर चित्र शैली की विशेषताएँ। तो सबसे पहले समझिए विषय, यानी यहाँ के विषय क्या थे, कौन से विषयों को आधार बनाकर चित्रण कार्य किया गया है। तो ढोला मारू ये एक ग्रंथ है, ठीक है, जिससे संबंधित यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। और राम कृष्ण संबंधी कथाएं, यानी जो भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, उनकी कथाओं को यहाँ पर चित्रित किया गया है। शिव पुराण के आख्यान, नायक नायिकाएँ, राग रागिनी, नाथ पंथ व सामाजिक जनजीवन संबंधी अनेक चित्र बने हैं। इसके अतिरिक्त बाबूजी, हडबूजी और मूमल दे, निहाल दे आदि अनेक वीरों के चित्र भी बनाए गए हैं। जोधपुर के प्रसिद्ध चित्रों में ढोला मारू व दो शहेलियाँ ये प्रमुख चित्र हैं। आप समझिए स्त्री आकृतियाँ, यानी चित्रों में जो नारी आकृतियाँ बनी हैं वो कैसी बनी हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो नारी आकृतियां लंबी एवं आभूषणों से सुसज्जित हैं।
मुखमंडल में ललाट निकला हुआ, कपोलों तक झूलती सर्पाकार लटें खंजनाकृति नेत्रों वाली बनाई गई हैं। यानी जो खंजन पक्षी है उसके समान यहाँ पर नेत्र बनाए गए हैं और कहीं कहीं स्त्रियों को टोपी पहने भी दिखाया गया है। फिर आती हैं यहाँ पर विशेषताएं पुरुषाकृतियों की, यानी जो पुरुषाकृतियाँ बनाई गई हैं उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। तो पुरुषाकृति के मुखमंडल सौर्य छटा से ओतप्रोत हैं, यानी चेहरे पर सौर्य दिखाया गया है। उनकी आगे निकली हुई नासिका यानी नाक और बड़ी आँखें यानी आँखें बहुत बड़ी बड़ी बनाई गई हैं और घनी दाढ़ी, कान तक खिंची हुई मूछें यानी मूछें जो हैं वो लंबी हैं कान तक, और शिखराकार अलंकृत पगड़ियाँ विशेष दर्शनीय हैं। फिर बात आती है यहाँ के रंग विधान की, यानी जो रंग लगाए गए हैं चित्रों में वो किस प्रकार के हैं। जोधपुर के चित्रों की वर्ण संगत में प्रायः गौ गोली वाला पीला रंग अधिक प्रयोग हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गौ गोली वाला जो पीला रंग है वो अधिक प्रयोग हुआ है। हाँसिए लाल और उनकी सीमांत रेखाएं पीले रंग की है। हाँसिए कैसे हैं, लाल रंग के हैं और उनकी जो सीमांत रेखाएं यानी कि आउटलाइन वो पीले रंग की है। दक्षिणी कलम के प्रभाव से पृष्ठभूमि में यानी बैकग्राउंड में कभी कभी हरा रंग भी भरा गया है। तो जो दक्षिणी शैली है इसके प्रभाव के कारण कुछ चित्रों में पृष्ठभूमि हमें हरे रंग की भी दिखाई देती है। और फिर बात आती है प्रकृति की, तो यहाँ पर प्रकृति को किस रूप से दिखाया गया है। मारवाड़ के क्षेत्र में मारू प्रदेश का भी स्पष्ट प्रभाव है। मारू के टीले छोटे छोटे झाड़ एवं पौधे विद्युत रेखाओं को सर्पाकार रूप में और मेघों को यानी बादलों को काले रंग से गोलाकार दिखाया गया है। आम के वृक्षों का यहाँ पर अंकन अधिक किया गया है और पशुओं में यहाँ पर ऊंट, घोड़ा, हिरण तथा स्वान यानी हंस को अधिक चित्रित किया गया है और चित्रों में खंजन पक्षी को भी बखूबी दर्शाया गया है। सफ़ेद जो वास्तु है वो सफ़ेद रंग का बना है, यानी भवन वगैरह वास्तु के अंतर्गत भवन इत्यादि चीज़ें आती हैं। तो वास्तु कैसा है, सफ़ेद रंग में है तथा भवनों की शोभा के लिए, भवन और भी ज़्यादा सुंदर लगे उसके लिए क्या किया गया है, मयूर यानी मोर और कुर्जा पक्षी को भी चित्रित किया गया है। कुर्जा पक्षी क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता है, आप गूगल पर डालकर देख लीजिएगा। इस प्रकार मारवाड़ी चित्र परंपरा का अपना एक इतिहास है, इसकी रग रग में सौर त्याग व प्रेम की छटा भरी हुई है। तो ये थी आपकी मारवाड़ शैली या फिर जोधपुर शैली। फिर अगला टॉपिक है यहाँ पर किशनगढ़ शैली, और यहाँ पर जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये किशनगढ़ शैली की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग है और इस पेंटिंग के बारे में भी आपको डिटेल से समझाया जाएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंग है। इतनी महत्वपूर्ण है कि एक पेंटिंग से आपके पेपर में सवाल बन सकता है, समझ रहे हैं आप। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे किशनगढ़ की स्थापना, यानी किशनगढ़ राज्य जहाँ पर किशनगढ़ शैली चली इसकी स्थापना किसने की थी। खैर अब तो ये राज्य नहीं रहा, अब तो राजस्थान के अंतर्गत आता है, लेकिन पहले किशनगढ़ एक राज्य हुआ करता था और यहाँ पर जो शैली चली उसी को हम कहते हैं किशनगढ़ शैली। तो सभी पॉइंट्स आपको डिटेल से समझाए जाएंगे, बस आप हमारे इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। चलिए पढ़िए। राजस्थानी चित्रकला को अपनी विशेष शैली प्रदान करने वाला किशनगढ़ राज्य राजस्थान के लगभग मध्य में स्थित है, यानी लगभग बीच में है। यह नगर अजमेर जयपुर मार्ग पर अजमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इस राज्य की स्थापना जोधपुर के जो राजा उदय सिंह हैं इनके आठवें पुत्र किशन सिंह ने 1609 में की थी। उन्हीं के नाम पर इस नगर का नाम किशनगढ़ पड़ा, यानी राजा किशन सिंह ने 1609 में इसकी स्थापना की थी और अपने ही नाम पर इसका नाम क्या दे दिया, किशनगढ़। राजा किशन सिंह नटवर गोपाल की पूजा करते थे, जो कि भगवान जो आपके कृष्ण हैं उन्हीं का एक रूप है नटवर गोपाल। राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशिष्ट स्थान है, यानी सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी शैली है वो किशनगढ़ शैली है और मारवाड़ शैली की
प्रमुख चित्र शैली होने का इसे श्रेय प्राप्त है। अजमेर के पास अवस्थित भूतपूर्व छोटी सी रियासत किशनगढ़ के दरबार में पोषित किशनगढ़ शैली के नाम से प्रख्यात है, यानी कि जो किशनगढ़ रियासत थी वहीं पर यह शैली चली और इसी के नाम पर यानी किशनगढ़ राज्य के नाम पर इसे किशनगढ़ शैली के नाम से जाना जाता है। और इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय यानी शैली की खोज किसने की, तो एरिक डिकिंसन और फैयाज अली ने की थी। तो ये किशनगढ़ शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर कला संरक्षण यानी कला को संरक्षित करना। अब इस पॉइंट के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि किस राजा के समय में किशनगढ़ शैली में क्या काम हुआ है, ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने इस शैली को संरक्षण प्रदान किया, इस शैली के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। किशन सिंह के पश्चात सहसमल, जगमल तथा हरि सिंह क्रमशः किशनगढ़ के उत्तराधिकारी हुए और इनके समय के कुछ चित्र उपलब्ध हैं। तो किशन सिंह जिन्होंने किशनगढ़ की स्थापना की थी, इसके बाद में कौन कौन से राजा बनते हैं, सहसमल, जगमल और हरि सिंह, और इन सब के समय के कुछ चित्र हमें प्राप्त होते हैं। हरि सिंह के पश्चात किशनगढ़ शैली के उत्कृष्ट स्वरूप के निर्माण में राजा रूप सिंह, मान सिंह, राज सिंह तथा इनके पुत्र सावन सिंह का विशेष योगदान है। अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी हुई है, जो महाराजा सावन सिंह हैं ये सबसे महत्वपूर्ण राजा हैं और इन्हीं के समय में किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष होता है। यानी कि अगर किशनगढ़ शैली का बेहतरीन काम देखना हो तो वो हमें कहाँ मिलेगा, राजा सावन सिंह के समय में, और ये राज सिंह के पुत्र थे। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि महाराजा सावन सिंह जो हैं इनके समय में किशनगढ़ शैली का चरमोत्कर्ष होता है, यानी सबसे बढ़िया चित्रों का निर्माण किसके समय में होता है, सावन सिंह के समय। महाराजा रूप सिंह का योगदान इस शैली के विकास की आधारशिला है। जो रूप सिंह हैं इन्होंने इस शैली के विकास की आधारशिला रखी यानी कि शुरुआत की। ये स्वयं विद्या वैष्णी एवं कृष्ण भक्त थे। इन्होंने आश्रित चित्रकारों से कृष्ण व राधा की प्रेम लीलाओं के अनेक चित्रों का निर्माण करवाया। इन्होंने कल्याण राय मंदिर एवं उनकी मूर्ति का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर जो राजा रूप सिंह हैं ये कृष्ण भक्त थे और इसी कारण इन्होंने राधा कृष्ण से संबंधित अनेक चित्रों का निर्माण करवाया। राजा रूप सिंह का उत्तराधिकारी राजा मान सिंह था और ये स्वयं कवि तथा कला मर्मज्ञ था। वैष्णव भक्त होने के कारण चित्रों में वैष्णव भक्ति से संबद्ध चित्रों का निर्माण ही इन्होंने अपने राज्यकाल में करवाया। यानी जो राजा मान सिंह हैं ये वैष्णव भक्त थे, इसीलिए इन्होंने वैष्णव संप्रदाय से संबंधित चित्रों का निर्माण करवाया। इनके पुत्र महाराजा राज सिंह स्वयं धर्मपरायण, परमवीर कवि, काव्य रसिक एवं चित्रकार थे। इन्होंने 33 ग्रंथ रचे और चित्रण कार्य का अधिकाधिक विकास किया और प्रसिद्ध चित्रकार सूर्यध्वज निहाल चंद को अपनी चित्रशाला का प्रबंधक बनाया। यहाँ पर आप चित्रशाला कर लीजिए, ये गलती से चित्रकला लिख गया है। अब समझिए इस पॉइंट को, रूप सिंह के बाद में राजा कौन बनते हैं, राज सिंह। ये स्वयं कवि और चित्रकार भी थे, इन्होंने 33 ग्रंथों की रचना भी की और किशनगढ़ शैली के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार निहाल चंद को अपनी चित्रशाला का प्रबंधक भी नियुक्त किया। चित्रशाला आप समझते हैं जहां पर चित्रों का निर्माण किया जाता है। महाराजा राज सिंह के स्वभावगत गुणों को उनके पुत्र सावन सिंह, जिनका समय है 1699 से 1764, इन्होंने विरासत में प्राप्त किया तथा राज सिंह के निर्देशन में ही युवराज सावन सिंह का प्रशिक्षण हुआ यानी शिक्षा उन्हें दी गई। उन पर अपने पिता की कृष्ण भक्ति के साथ काव्य रचना, चित्रण कार्य आदि का भी प्रभाव अनजाने में ही पड़ गया।
अतः प्रशिक्षण द्वारा एक अपूर्व व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। तो राजा सावन सिंह के जो पिता थे महाराजा राज सिंह, इनके गुणों का प्रभाव सावन सिंह पर पड़ता है, यानी कि जो राज सिंह हैं वो कवि थे, चित्रकार थे, तो ये सभी गुण सावन सिंह में भी आ जाते हैं और जन्म से साहित्य संगीत एवं चित्रकला से परिपूर्ण कलात्मक वातावरण में बड़े होने के कारण इस दिशा में अभिरुचियां विकसित होनी स्वाभाविक थीं। यानी शुरुआत से ही इनके घर में जो इनके पिता थे वो चित्रकार थे, कवि थे, तो उन सब का गुण सावन सिंह पर भी, उन सब का जो प्रभाव है वो सावन सिंह पर भी पड़ता है। संस्कृत, फारसी तथा मारवाड़ी भाषाओं के अध्ययन के साथ संगीत महत्वपूर्ण अंग था। इसके साक्षी किशनगढ़ दरबार के निजी संग्रह में उपलब्ध होते हैं। यानी कि इस प्रकार के जो चित्र हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, किशनगढ़ दरबार के निजी संग्रहालय में। पिता की भांति सावन सिंह जो नागरीदास के उपनाम से प्रसिद्ध थे, यानी जो सावन सिंह हैं इनका उपनाम है नागरीदास। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर पूछ लिया जाए कि नागरीदास के बारे में बताइए तो आप समझ जाएंगे कि आपसे सावन सिंह के बारे में ही पूछा जा रहा है। वल्लभ कुल संप्रदाय में अपने गुरु श्री रणछोड़ दास जी द्वारा दीक्षित थे। यानी इनके गुरु का क्या नाम था, श्री रणछोड़ दास। राज्य वैभव के प्रति विरक्त तथा कला संगीत एवं साहित्य में विशेष अनुराग होने के कारण नागरीदास ने स्वयं ही राधा कृष्ण की माधुर भक्ति में लीन कर लिया। स्वयं को मतलब राधा कृष्ण की भक्ति में इन्होंने लीन कर लिया और खुद को इन्होंने क्या कहा, नागरीदास। नागरीदास का मतलब है राधा का नौकर। इन्होंने स्वयं को क्या कहा, राधा का नौकर, और स्वयं को राधा कृष्ण की भक्ति में लीन कर लिया। किसने, सावंत सिंह ने। इनके कलात्मक व्यक्तित्व ने किशनगढ़ शैली को एक नवीन रूप प्रदान किया। किशनगढ़ में 18वीं सदी के मध्य बने चित्र एक ही शैली के प्राप्त होते हैं। राधा कृष्ण की प्रेम लीला इन चित्रों का प्रमुख विषय है। यहाँ पर समझिए, जो राजा सावन सिंह हैं इनके समय में प्रेम विषयक चित्रों का निर्माण बहुत अधिक होता है और ज़्यादातर जो चित्र हैं वो राधा कृष्ण से ही संबंधित हैं, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर किशनगढ़ चित्र शैली की विकास यात्रा। इससे पहले हमने ये पढ़ा कि किशनगढ़ शैली की शुरुआत कैसे हुई और कौन कौन से राजाओं ने इसे संरक्षण दिया। वहाँ पर आपको ये भी बताया गया था कि राजा सावन सिंह के समय में इस शैली का चरमोत्कर्ष होता है और सबसे ज़्यादा विकास इन्हीं के समय में होता है। तो राजा सावन सिंह के समय को हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं। अब समझिए, यहाँ पर किशनगढ़ चित्र शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने का श्रेय तीन व्यक्तियों को जाता है। और वो तीन व्यक्ति कौन हैं, तो पहले हो गए राजा सावन सिंह, दूसरी हैं बनी ठनी और तीसरे हैं चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। अब प्रथम कवि, चित्रकार, भक्त और कला प्रेमी सावन सिंह, जिनके आश्रय में यह कला उत्कर्ष को प्राप्त होती है और इस प्रकार सन 1735 से 1730 ईस्वी के लगभग तीन दशक की अल्प अवधि में किशनगढ़ की कलात्मक गतिविधियां इस तरह खिल उठी कि असाधारण सौंदर्य वाली कृतियों का निर्माण हुआ। यानी कि पहले हो गए राजा सावन सिंह, जिनके समय में ये जो किशनगढ़ की चित्र शैली है फली फूली और इसका विकास हुआ, बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई गईं। और द्वितीय है महाराजा सावन सिंह की प्रिया यानी प्रेमिका बनी ठनी। बनी ठनी कौन है, जो राजा सावन सिंह हैं इन्हीं की प्रेमिका है, तो इनका भी किशनगढ़ शैली के चरमोत्कर्ष में या फिर उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और तृतीय है सावन सिंह का आश्रित चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, ये चित्रकार है। तो इन तीनों का जो किशनगढ़ शैली है इसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और बनी ठनी अपने अद्वितीय रूप सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। स्वयं कवित्री एवं कला प्रेमिका होने के साथ साथ
सावन सिंह की प्रिया होने में अपनी आराध्य राधा देवी को प्राप्त कर लिया। इसी कारण नायक नायिका एवं राधा कृष्ण के चित्रण में नायिका एवं राधा की भूमिका में बनी ठनी को ही चित्रित किया गया है और रासलीला में नायक एवं कृष्ण सावन सिंह का ही शैलीबद्ध रूप दिखाया जाता है। अब इस पॉइंट को समझिए, जो किशनगढ़ शैली है इसमें जहाँ पर राधा और कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं तो इन चित्रों में जो चेहरा है वो बनी ठनी का राधा के रूप में और सावन सिंह का कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। फिर आगे समझिए, 17वीं शताब्दी में इस चित्र शैली की नारी व पुरुष आकृतियों के चित्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जो राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों तथा पूर्ववर्ती किशनगढ़ शैली से पर्याप्त भिन्न थी। नागरी दास की कविताओं को आधार बनाकर बनी ठनी के रूप सौंदर्य को चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को जाता है और इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 75 बताई जाती है, जो कि नागर समुच्चय के नाम से जाना जाता है। तो जो नागर समुच्चय है ये किसने लिखा था, ये जो राजा सावन सिंह हैं उनका ग्रंथ है नागर समुच्चय और इससे संबंधित भी बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और आगे समझिए यहाँ पर किशनगढ़ शैली के चित्रकार, अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि किशनगढ़ शैली के चित्रकारों पर टिप्पणी कीजिए तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। और इससे पहले की क्लासेस में आपको जो भी चित्रकार हैं वो पॉइंट टू पॉइंट बता दिए जाते थे, तो वहाँ पर आप चित्रकारों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए थे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे ताकि चित्रकारों पर अगर टिप्पणी वगैरह करने के लिए आए तो आप लिख सकें, क्योंकि किशनगढ़ शैली महत्वपूर्ण है और यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए समझिए इसे, और जो भी चित्रकार हैं उनको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। तो निहाल चंद द्वारा चित्रित नागरी दास का काव्य चित्रण 1735 से 1757 ईस्वी के बीच का है और नागरी दास के वृंदावन के उपरांत भी, यानी नागरी दास अंत में वृंदावन चले जाते हैं, नागरी दास और इनकी जो प्रिया हैं बनी ठनी ये दोनों कहाँ चले जाते हैं, वृंदावन, और वहीं पर इनकी डेथ हो जाती है। तो बताया गया है कि नागरी दास के वृंदावन जाने के उपरांत यानी बाद चित्रकार निहाल चंद का चित्रांकन कार्य पूर्वत चलता रहा, यानी पहले के समान ही चलता रहा, वो चित्र बनाता रहा। और निहाल चंद के पितामह सूरध्वज मूलचंद दिल्ली से आकर राजा मान सिंह के दीवान नियुक्त हुए थे। दीवान सूरध्वज मूल राज के वंशजों में किशनगढ़ शैली के विकास एवं उसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में विशेष योगदान दिया, जिनमें सीताराम और बदन सिंह कलाकारों का भी उल्लेख है। अमरू और सूरजमल का चित्रण सावन सिंह के समय का है। सावन सिंह के भाई बहादुर सिंह के समय में नानक राम नामक चित्रकार चित्रणकार करता था और राजा बेड़द सिंह के समय में नानक राम के वंशज कौन थे, रामनाथ तथा जोशी सवाई राम का चित्रण कार्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो जो भी यहाँ पर आपको हाईलाइट किए हुए नाम मिल रहे हैं ये सब क्या हैं, चित्रकार हैं जो किशनगढ़ शैली के अंतर्गत चित्रण कार्य किए हैं। राजा कल्याण सिंह के राज्यकाल में लाडली दास नामक चित्रकार ने चित्रकला के विकास में विशेष योगदान दिया और कल्याण सिंह के समय में किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध गीत गोविंद का चित्रण हुआ। किशनगढ़ शैली का अलौकिक स्वरूप अब क्रमशः विलीन होने लगा, यानी धीरे धीरे इस शैली का पतन होने लगा और 19वीं शताब्दी में महाराजा पृथ्वी सिंह के समय कलाकार निहाल चंद की परंपरा में कार्य कर रहे थे, किंतु चित्रों में पतन उन्मुख स्पष्ट लक्षित होता दिखाई देता है। तो महाराजा पृथ्वी सिंह के समय के जो कलाकार थे वो निहाल चंद की चित्रण परंपरा में ही कार्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस समय के चित्रों में जो किशनगढ़ शैली है उसका पतन दिखाई देता है, क्योंकि पहले जैसी संवेदना, निखार और मन को छू लेने वाली जो सौंदर्य थी उसमें कमी आ गई थी। पहले जैसा चित्रों में सौंदर्य दिखाई देता था अब वैसा नहीं रह गया था, उसमें काफ़ी गिरावट आ गई थी और इस प्रकार जो किशनगढ़ शैली है वो समाप्त हो जाती है।
अब समझिए यहाँ पर किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्र। तो सबसे महत्वपूर्ण चित्र है किशनगढ़ शैली का बनी ठनी। बनी ठनी कौन है? जो राजा सावन सिंह की प्रेमिका थी, जिनका वास्तविक नाम है विष्णुप्रिया, उन्हीं के चित्र को यहाँ पर बनाया गया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? बनी ठनी। अगला चित्र है राधा को पुष्प अर्पित करते कृष्ण। चांदनी रात के गवैये, राधा कृष्ण का राधा से प्रणय निवेदन, कृष्ण राधा का दुपट्टा पकड़े, राधा कृष्ण का नौका विहार, चांदनी रात में तालाब, कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते, राजकुमारी फुलझड़ी का आनंद लेते हुए, नेमीनाथ की बारात में कृष्ण व बलराम, झील में कमल के फूल एकत्रित करते कृष्ण, दीपावली और दीप, रुक्मणी मंगल, लाल बाजरा और सांझी लीला। तो ये सभी चित्र हैं जो कि किशनगढ़ शैली के हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राधा कृष्ण से संबंधित जो भी चित्र बने हैं, उसमें आपको बताया गया था कि राधा के रूप में जो बनी ठनी है उनका चित्रण किया गया है, और जहाँ जहाँ पर कृष्ण को दिखाया गया है तो वहाँ पर जो राजा सावन सिंह हैं उनको दिखाया गया है। अगला है कवि युवराज व बनी ठनी। अब कवि युवराज यहाँ पर हैं राजा सावन सिंह और बनी ठनी, तो इन दोनों लोगों को इस चित्र में दिखाया गया है, और प्रेमी युगल इत्यादि। तो ये सभी हो गए किशनगढ़ शैली के चित्र। अब हम पढ़ेंगे किशनगढ़ शैली की विशेषताएं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि किशनगढ़ शैली की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि इससे पहले आपको मेवाड़ की और जोधपुर शैली की बताई जा चुकी हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विशेषताएं देखिए, आपकी थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मैच करेंगी, लेकिन कुछ विशेषताएँ ऐसी होती हैं जो हर एक शैली की अलग होती हैं, और इन्हीं के आधार पर हर एक शैली की पहचान की जाती है। तो चलिए समझते हैं यहाँ पर। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर विषय, यानी किशनगढ़ शैली के चित्रों के विषय क्या थे, कौन से विषयों को आधार बनाकर यहाँ पर चित्रण कार्य किया गया है। तो राधा कृष्ण की प्रेम लीला, प्रिया प्रियतम का मधुर मिलन तथा भाव चित्रण ही कलाकारों को अभीष्ट रहा है। तो राधा माधव यानी कि राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। प्रिया प्रियतम यानी प्रेमी और प्रेमिका का जो मधुर मिलन है उसके चित्र बनाए गए हैं, और यहाँ पर भाव चित्रण यानी जो भी आंतरिक भाव होते हैं उनको भी दिखाने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं से प्रेरित होकर गीत गोविंद, भागवत पुराण एवं रुक्मणी मंगल, नागरी दास के पद व दरबारी वैभव आदि का भी चित्रांकन हुआ है। तो जो भी ग्रंथ हैं कृष्ण भक्त कवियों के, जैसे गीत गोविंद, भागवत पुराण और नागरी दास के पद, तो इन सब का भी चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर दरबारी वैभव यानी जो दरबार की शान शौकत होती है वो भी चित्रित की गई है। किशनगढ़ शैली में उत्सव, नौका विहार, प्रेम और प्रकृति का बाहुल्य है, यानी चित्रों में उत्सवों को दिखाया गया है जैसे होली वगैरह, और नौका विहार यानी नौका पर बैठकर, नाव पर बैठकर भ्रमण करते हुए प्रेम से संबंधित तो यहाँ पर अधिकतर चित्र बनाए गए हैं। तो ये रहे किशनगढ़ शैली के विषय। फिर अगला पॉइंट आता है नारी सौंदर्य, यानी यहाँ पर जो नारियों के चित्र बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं, कैसे उनके आभूषण हैं, किस प्रकार से उनके वस्त्र हैं और कैसा उनका शरीर दिखाया गया है। किशनगढ़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? नारी सौंदर्य। किशनगढ़ शैली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नारी सौंदर्य। अब समझिए यहाँ पर कि नारियों को किस प्रकार से चित्रित किया गया है। किंचित लंबा यानी थोड़ा लंबा दिखाया गया है, पतला चेहरा, ऊंचा ढलवा ललाट, ललाट यानी मस्तक, लंबी नुकीली नासिका, नासिका यानी नाक, कमसिन बाला की तरह सजी हुई, झुकी हुई, लंबी छरहरे बदन वाली यानी दुबला पतला जो शरीर है वो बनाया गया है, बहुत मोटा नहीं दिखाया गया है, गौर वर्ण, खंजनाकृत नयन, खंजन पक्षी के समान नयन यानी आंखें बनाई गई हैं, धनुषाकार भौहें, भौहें कैसी हैं, धनुषाकार हैं, और अलकों की मेखला से आच्छादित कपोल यानी गालों पर जो बाल की लटे दिखाई गई हैं, और हिंगुली पतले अधर, पतले अधर यानी पतले होंठ बनाए गए हैं,
लंबी पतली बाहें एवं मेहंदी रचे हाथ, हाथों में मेहंदी लगी हुई दिखाई है और पैरों में महावर यानी रंग, पैरों में रंग लगाए हुए दिखाया गया है। बालों की लट कान के पास झूलती हुई और केस प्रायः खुले हुए एवं नितंबों तक लहराते हुए हैं, यानी जो बाल दिखाए गए हैं वो लंबे हैं और कमर तक लहराते हुए बने हैं। निष्कर्षतः किशनगढ़ शैली की नारी आकृति में स्थानीय नारी की सौंदर्य छवि है। निस्संदेह राधा बनी ठनी का ही शैलीबद्ध आदर्श रूप है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि किशनगढ़ शैली की जो नारी आकृति है उसमें स्थानीय नारी की छवि है और वो स्थानीय नारी कौन है? बनी ठनी। तो जहाँ पर भी नारी आकृति का चित्रण किया गया है हर जगह बनी ठनी को ही शैलीबद्ध रूप देकर चित्रित किया गया है। अब अगला पॉइंट है पुरुष आकृतियाँ, यानी कि किशनगढ़ शैली में जो पुरुष आकृतियाँ बनाई गई हैं वो किस प्रकार की हैं। पुरुष आकृतियाँ प्रभावान मुखमंडल से युक्त, यानी चेहरे पर दिव्य दिखाया गया है, तेज है, सम उन्नत ललाट, सम उन्नत यानी कि ऊंचा मस्तक है, पतले पतले अधरों पर मुस्कान लिए फड़कन, होंठ कैसे हैं? पतले हैं और मुस्कान है चेहरे पर। उत्तिष्ठ नासिका, जो नाक है वो ऊंची है, उठी हुई है। कालिमा से युक्त जादुई दीर्घ नेत्र और आँख कैसे हैं? काले काले और बड़े बनाए गए हैं। कंधों तक काले घुंघराले बाल और बाल भी कंधों तक दिखाए गए हैं, यानी बाल लंबे हैं। लंबी भुजाएं हैं, सुकुमार अंगुलियों, उन्नत कंधों तथा पतली लंबी पतली काया लिए हुए हैं और जो शरीर है वो पुरुषों के भी लंबे और पतले बनाए गए हैं और उंगलियां कैसी हैं? लंबी हैं, पतली हैं, मजबूत कंधे हैं। तो ये सब विशेषताएँ हो गई पुरुष आकृतियों की। फिर अगला पॉइंट है आभूषण तथा वस्त्र, यानी कि चित्रों में जो नारी आकृतियां हैं, जो पुरुष आकृतियां हैं, उनके आभूषण और वस्त्र कैसे बने हैं। तो किशनगढ़ शैली के अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा घेरदार चुन्नटदार लहंगा है, छोटी बाहों वाली बड़े तथा खुले हुए गले हैं, ऊंची कसी चोली तथा पारदर्शक छपी चंदेरी ओढ़नी है, गले माथे हाथों तथा कमर में आभूषण पहने हैं, नाक में बेसर यानी ये एक प्रकार का नाक का आभूषण होता है, तो नाक में बेसर पहने हुए दर्शाया गया है। तो ये हो गई जो नारी आकृतियां हैं उनमें कैसा पहनावा है। अब आगे समझिए यहाँ पर जो पुरुष आकृतियां बनी हैं इनका पहनावा किस प्रकार का है। तो पुरुषों को मुगल मोहम्मद शाही लंबे पारदर्शक जामे पहने हुए दिखाया गया है और जामे के साथ में कमर में पटका और सिर पर मूंगिया या श्वेत हीरे मोती जड़ित ऊंची पगड़ी भी बनाई गई है। तो मुगलों के समान यहाँ पर लंबा पारदर्शक जामा पहने हुए पुरुषों को दिखाया गया है और जामे के साथ ही साथ कमर में पटका भी है और सिर पर पगड़ी है, पगड़ी में हीरे मोती इत्यादि जड़े हुए हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर रंग विधान, यानी चित्रों में जो रंग लगे हैं वो किस प्रकार के हैं। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार मिश्रित रंगों का भी प्रयोग हुआ है। हल्की गुलाबी रंग का प्रयोग शरीर में और आकाश में हल्के नीले रंग का प्रयोग किया गया है, सोने और चांदी के रंगों का भी प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अधिकतर चित्रों में चटक रंगों का इस्तेमाल हुआ है और कहीं कहीं पर जैसी आवश्यकता हुई है उस प्रकार से मिश्रित रंगों का भी इस्तेमाल हुआ है। शरीर में हल्का गुलाबी रंग लगाया गया है और आकाश के लिए हल्के नीले रंग का इस्तेमाल हुआ है और कहीं कहीं पर यहाँ पर सोने और चांदी के रंगों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे सोने के आभूषण हो गए तो वहाँ पर सोने के रंगों का इस्तेमाल हुआ है इस प्रकार से। अब समझिए प्रकृति, यानी चित्रों में प्रकृति को किस प्रकार से दिखाया गया है। तो झीलों, पहाड़ों, वनों, उपवनों का, पशु पक्षियों से युक्त किशनगढ़ एवं रूपगढ़ का प्राकृतिक परिवेश भी किशनगढ़ शैली के चित्रकारों के लिए प्रेरणा एवं अंकन का विषय रहा है। विस्तृत झीलों के सुखद सरोवरों में कमल एवं केली के मध्य क्रीड़ा करते हुए हंस, बतख, बगुला, सारस इत्यादि को अंकित किया गया है। प्रायः घने वृक्षों में निकुंज, खास तौर पर चंपा, चमेली, मौलश्री, आम्र, जामुन, कदली यानी केला और कदम्ब आदि के वृक्षों को भी चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर
जो झीलें दिखाई गई हैं, झीलों में हंस, बगुला, सारस इत्यादि को कीड़ा करते हुए दिखाया गया है। और अगर बात की जाए वृक्षों की, तो वृक्षों में यहाँ पर चंपा, चमेली, मौलश्री, जामुन, कदली इत्यादि वृक्षों को दिखाया गया है। और वृक्षों पर तोता और मोर व क्रीड़ारत यानी खेलते हुए बंदर भी दिखाए गए हैं। फिर अगला पॉइंट आता है नौका विहार। नौका विहार के चित्रों में प्रायः लाल रंग की छोटी एवं कहीं कहीं लंबी नौकाओं का अंकन है, जो कि प्रेम का प्रतीक है। तो किशनगढ़ शैली में नौका विहार को भी विशेष रूप से दिखाया गया है। और यहाँ पर नौकाएं कैसी हैं, तो लाल रंग की हैं, जो कि प्रेम का प्रतीक है। श्वेत संगमरमरी भवन, और भवन कैसे बने हैं, श्वेत संगमरमर के समान, कहीं कहीं कुंजों से आच्छादित हैं, यानी कि झाड़ियाँ भी बनाई गई हैं। उनके सम्मुख फौहारे भी हैं, भवनों के सामने फौहारे भी दिखाए गए हैं, इत्यादि मधुर योजना प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो गई आपकी किशनगढ़ शैली, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और समझिए, किशनगढ़ के जो राजा हैं सावंत सिंह, इनका जीवन परिचय भी पूछा जा सकता है, क्योंकि किशनगढ़ शैली पूरी राजस्थानी शैली की सबसे महत्वपूर्ण शैली है, सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ के जो राजा हैं सावंत सिंह, इन्होंने किशनगढ़ शैली के विकास में, उसे चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने में विशेष योगदान दिया था। और ये चित्रकला प्रेमी थे, कवि भी थे, तो इस प्रकार से ये थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसलिए इनका जीवन परिचय पूछा जाता है और इसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर किशनगढ़ शैली समाप्त होती है। और अगला टॉपिक है बूंदी शैली। बूंदी शैली ये आपकी हड़ौती चित्रकला के अंतर्गत आती है। और हड़ौती शैली से आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, बूंदी शैली और कोटा शैली, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। बूंदी शैली, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थिति एवं नामकरण। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्व में बूंदी राज्य स्थित है। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में बूंदी राज्य है, और इसके उत्तर में जयपुर और पश्चिम में उदयपुर, और दक्षिण एवं पूर्व में कोटा राज्य है। यहाँ पर हाड़ा वंश का शासन था, इसीलिए इस क्षेत्र को हड़ौती कहते हैं। इस क्षेत्र में जो राजा थे वो हाड़ा राजा थे, हाड़ाओं का शासन था, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हड़ौती। और यहाँ पर जो चित्रकला की शैली चली उसको क्या कहा गया, हड़ौती शैली। और हड़ौती शैली की ही एक उप शैली है जिसका नाम है बूंदी, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बूंदी राज्य को राजा राव देवा जी ने 1342 में बसाया था। बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी, राव देवा जी ने 1342 में। उनके बाबा का नाम बूंदा था। जो राजा राव देवा जी हैं, इनके बाबा का क्या नाम था, बूंदा, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया बूंदी, यानी ये जो क्षेत्र था इसका नाम क्या रखा गया, बूंदी। और इसी कस्बे में चित्रकला अपनी कल्पना को चित्रकार अपनी कल्पनाओं को चित्रों के माध्यम से सजाते थे। जो चित्र यहाँ पर सृजित हुए उनकी एक स्पष्ट निजी शैली है, जिसे विद्वानों ने बूंदी शैली नाम दिया। तो बूंदी राज्य में जो शैली पनपी या फिर जो शैली चली उसी को हम क्या कहते हैं, बूंदी शैली। तो ये हो गया बूंदी शैली का नामकरण, और किसने बूंदी राज्य की स्थापना की थी, कैसे इसका नाम बूंदी पड़ा, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर समझ चुके हैं। अब आगे समझिए यहाँ पर ऐतिहासिक व्रत, यानी कि जो बूंदी क्षेत्र है यहाँ पर कौन कौन से राजा हुए, और किसने जो बूंदी शैली है इसको संरक्षण प्रदान किया, किसके समय में बूंदी शैली में क्या काम हुआ है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल से समझते हैं। बूंदी सुरजन हाड़ा के शासनकाल से पूर्व मेवाड़ राज्य का ही एक अंग था। जो बूंदी क्षेत्र है ये सुरजन हाड़ा के शासनकाल से पहले मेवाड़ राज्य का ही एक अंग था, अतः यहाँ की चित्रकला मेवाड़ चित्रकला से प्रभावित होना स्वाभाविक थी। यानी कि जो बूंदी क्षेत्र है ये पहले मेवाड़ राज्य का ही एक हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए यहाँ की चित्रकला पर यानी बूंदी शैली पर मेवाड़ चित्रकला का प्रभाव था। सन 1561 में सुरजन सिंह ने जो ही मुगल अकबर की दास्ता स्वीकार की,
उसके बदले सुरजनहाड़ा को चुनार की जागीर मिली। उसके पौत्र यानी कि सुरजनहाड़ा के पौत्र राव रतन सिंह, जिनका समय दिया हुआ है 1607 से 1631 ईस्वी, इसको जहांगीर ने सर बुलंद राय की पदवी से सम्मानित किया तथा हाड़ा मुगलों के जो संबंध थे वो दृढ़ बन गए या फिर सुदृढ़ बन गए। तो यहाँ पर जो राजा रतन सिंह हैं, इनको जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि से सम्मानित किया था और इनके मुगलों से संबंध थे। ठीक है, आगे समझिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या कह रहा है। बूंदी शैली का जन्म राग माला चित्रों से हुआ। ध्यान रखिएगा, बूंदी शैली का जो जन्म है या फिर शुरुआत है वो रागमाला चित्रों से होती है। इसके प्रारंभिक चित्रों में राग दीप, जो कि भारत कला भवन बनारस में है, तथा रागिनी भैरवी, ये इलाहाबाद संग्रहालय में है। इन चित्रों का रचनाकाल राव रतन सिंह का राज्यकाल माना जाता है। तो बूंदी शैली का जन्म रागमाला चित्रों से हुआ और इनके प्रारंभिक चित्रों में आपका राग दीपक है, ये कहाँ पर है, तो ये भारत कला भवन बनारस में रखा हुआ है। दूसरा चित्र है रागिनी भैरवी, ये इलाहाबाद में संग्रहालय में है और इन सभी चित्रों का जो निर्माण है वो राव रतन सिंह के राज्यकाल में हुआ माना जाता है। इन रागमाला चित्रों में गहरे व चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है, जो मेवाड़ व दक्षिणी कलमों का प्रभाव लगता है। यानी ये जो चित्र आपको यहाँ पर बताए गए हैं, रागदीप, रागिनी भैरवी, इनमें गहरे और चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है और ये जो प्रभाव है ये मेवाड़ और दक्षिणी शैलियों का लगता है। आगे समझिए अगला पॉइंट है, बूंदी के किले में बादल महल वाले भित्ति चित्र इन्हीं के समय में बने हैं और एक चित्र में राव रतन सिंह एक झरोखे में हाथियों के जुलूस को देखते हुए चित्रित किए गए हैं। तो बूंदी के किले में जो बादल महल है यहाँ पर भी भित्ति चित्र बने हैं, जो कि राव रतन सिंह के समय में ही बने हैं और इन्हीं में एक चित्र बना है कि राव रतन सिंह एक झरोखे से हाथियों के जुलूस को देख रहे हैं। राव रतन सिंह के बाद उसका पौत्र छत्रशाल राजा बनता है, जिसका समय दिया हुआ है 1631 से 1658। ये महत्वपूर्ण राजा है, ये गद्दी पर बैठा और वह भी अपने पिता गोपीनाथ एवं दादा रतन सिंह की तरह निरंतर मुगल सेवा में लगा रहा। आगरे में गवर्नर पद पर रहने से वह मुगल तौर तरीके से वाकिफ हो गया था। उसके समय का सुंदर गज हाथी पर सवारी का दृश्य एक महत्वपूर्ण चित्र है। यानी कि यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है सुंदर गज हाथी पर सवारी का दृश्य, ये राजा छत्रशाल के समय में चित्रित हुआ, जो कि एक महत्वपूर्ण चित्र है और 1650 के लगभग ये बना और कनौडिया संग्रहालय में संग्रहित है। छत्रशाल ने अनेक चित्रकारों को राजाश्रय प्रदान किया, यानी कि अपने यहाँ चित्रकला के लिए इनको प्रेरित किया। फिर अगला पॉइंट है, यहाँ पर छत्रशाल के बाद भाव सिंह गद्दी पर बैठा और इसका समय है 1559 से 1682। इसकी कला प्रियता ने बूंदी निवासियों को संगीत, काव्य और चित्रकला से परिप्लावित कर दिया। भाव सिंह के आश्रय में मतीराम जैसे कवि रहे, जिन्होंने ललित ललाम और रसराज की रचना कर कला प्रेमियों तथा कलाकारों को प्रभावित किया। तो छत्रशाल के बाद में राजा बनते हैं भाव सिंह और इन्हीं के समय में एक कवि हुए जिनका नाम है मतीराम, आपने हिंदी में शायद पढ़ा भी हो। इनकी रचना है ललित ललाम और रसराज, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में राजा होते हैं भाव सिंह तथा उसके पुत्र अनिरुद्ध सिंह ने मुगल शासकों के निर्देशों से दक्षिण के युद्धों में भी भाग लिया, जिससे बूंदी शैली में दक्षिण शैली का प्रभाव समाविष्ट हुआ। यानी जो दक्षिणी शैली थी उसका प्रभाव बूंदी शैली पर पड़ता है और वास्तु सज्जा से सुरापात्रों का प्रयोग इस काल की विशेषता बनी। इसका एक समकालीन चित्रकार मोहन था। चांद देखते प्रेमी युगल प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई संग्रहालय में ये रखा हुआ है तथा फाग कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय इस समय के प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। अब इस पॉइंट को आप समझिए, अनिरुद्ध सिंह के समय में
जो बूंदी शैली है इस पर दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ता है, और इसी समय वास्तु सज्जा यानी जो भवन निर्माण सज्जा है और सूरा पात्रों का प्रयोग इस काल की प्रमुख विशेषता है। और इसी समय का एक चित्रकार है मोहन, जो कि महत्वपूर्ण है, और इसी समय में यानी अनिरुद्ध सिंह के समय में ही चित्र बना चांद देखते प्रेमी युगल, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ है। दूसरा चित्र है इसी समय का फाग, जो कुंवर संग्राम सिंह संग्रहालय में रखा हुआ है। फिर इसके बाद में राजा आते हैं राव बुध सिंह। राव भीम सिंह कोटा ने बूंदी को अपने अधीन कर लिया, किंतु मराठों की सहायता से राव उम्मेद सिंह ने सन 1748 में उसे स्वतंत्र कर लिया। यानी कि जो राव और भीम सिंह हैं, ये कोटा के राजा थे, इन्होंने बूंदी को अपने अधीन कर लिया, जीत लिया, किंतु मराठों की सहायता से राव उम्मेद सिंह ने सन 1748 में बूंदी को फिर से स्वतंत्र कर लिया। राव उम्मेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए ये चित्र है, जो कि 1750 में बना है और बूंदी शैली का एक उत्कृष्ट चित्र है, यानी सुंदर चित्र है। फिर अगले राजा हैं राव उम्मेद सिंह, महत्वपूर्ण राजा हैं ये। इनका समय है 1750 से 1771। इनके समय बूंदी भित्ति चित्रों को छत्र महल, बादल महल, चित्रशाला, बड़े महाराज का महल, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, बूंदी कोतवाली, लीलड़े वालों की हवेली और भट्ट जी महाराज की हवेली, नगर शेठ की दुकान, कवि सूरमल मिश्रण की हवेली तथा अनेक हवेलियों व बावड़ियों के जो भित्ति चित्र हैं वो बने। राजा उम्मेद सिंह के समय में कहाँ कहाँ पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दी हुई है। बहुत सारी हवेलियों के नाम दिए हुए हैं जहाँ पर चित्रों का निर्माण हुआ, और कई सारी बावड़ियों में भी भित्ति चित्र बनाए गए हैं। और आगे समझिए बूंदी शैली के चित्रकार, तो सुरजन, रामलाल, मोहन, डोडिया, साधु राम, उत्कल राम, श्री किशन और अहमद अली, तो ये बूंदी शैली के कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। फिर आते हैं बूंदी शैली के चित्र, शेर व हाथी की लड़ाई, स्त्रियां शिकार करते हुए, महिलाएं चौपड़ खेलते हुए, कबूतर पालती स्त्रियां, दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, हिंडौला राग और सुंदर गज पर सवारी, राजा उम्मेद सिंह सुअर का शिकार करते हुए, परिचारिकाओं सहित रानी, कांटा निकालते हुए, राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, कृष्ण का बंसी वादन और राव रतन सिंह झरोखे से हाथियों का जुलूस देखते हुए, तो ये बूंदी शैली के कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। और अब आती हैं बूंदी शैली के चित्रों की विशेषताएं। तो विशेषताएं थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है चित्रों के विषय, यानी कि बूंदी शैली में जो चित्र बने हैं उनके क्या विषय रहे हैं। बूंदी चित्रकारों ने विशेष रूप से नायक नायिका, बारहमासा और ऋतु चित्रण यानी विभिन्न ऋतुओं का चित्रण किया गया है, भगवत पुराण, हाँ भगवत पुराण पर आधारित कृष्ण लीला एवं रीतिकालीन कवियों की रचनाओं से संबंधित कई चित्र बनाए, और इसके अतिरिक्त दरबारी दृश्य, अंतापुर या रनिवास के भोग विलास युक्त जीवन, यानी जहाँ पर रानियाँ रहती हैं उसे रनिवास या फिर अंतापुर कहते हैं, तो वहाँ पर वहाँ के भी चित्र जो भोग विलास से संबंधित हैं वो भी दिखाए गए हैं। और इसके अलावा शिकार, होली, दशहरा, युद्ध, आखेट, व्यक्ति चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये हो गए बूंदी शैली के जो विषय हैं। अगला पॉइंट है पशु पक्षी, यहाँ पर पशु पक्षी दिखाए गए हैं, तो किस प्रकार से दिखाए गए हैं, तो दौड़ते सिंह, चिंघाड़ते व जल क्रीड़ा रत हाथी, भवनों में पालतू मृग, मृग यानी हिरण, उछलते बंदर, सर्प, बछड़े और गिलहरियां, फलों को कुतरते शुक, शुक यानी तोता, सरोवर में क्रीड़ा करती बतखें, बगुलों की पंक्तियां और तालाब के किनारे पर खड़े सारस आदि का चित्रण बूंदी शैली में दर्शनीय है, यानी दिखाई देता है। फिर आता है रंग विधान, यहाँ पर जो रंग लगे हैं वो कौन से लगे हैं और किस प्रकार से लगाए गए हैं, तो बूंदी शैली के चित्रों में नारंगी एवं हरे रंग की प्रधानता है, यानी नारंगी और हरा रंग हमें अधिकतर देखने को मिलता है।
इसके अलावा पीला जो कि प्योड़ी से प्राप्त होता है, लाल जो कि सिंदूर या फिर सिंगरफ से प्राप्त होता है, हरा जो कि जंगाल से प्राप्त होता है, और सफ़ेद जो कि सफ़ेदा से प्राप्त होता है, काला जो कि ये लोग काजल से प्राप्त करते थे, और नीला रंग जो कि ये लोग नील और लाजवर्द से प्राप्त करते थे, और यहाँ पर जो गेरू है, हिरौंजी तथा राम रज इत्यादि हैं, तो ये रंग यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। बूंदी शैली के चित्रों में सोने तथा चांदी के रंगों का भी इस्तेमाल हुआ है। फिर आगे आता है अगला पॉइंट, स्त्री आकृतियाँ, यानी यहाँ पर जो स्त्री आकृतियाँ बनी हैं वो किस प्रकार से दिखाई गई हैं। स्त्री आकृतियाँ साधारण रूप से लंबी और स्फूर्ति से भरी हुई इकहरे बदन वाली हैं, इकहरे बदन वाली यानी बहुत मोटी नहीं हैं, दुबली पतली हैं। स्त्रियों की मुखाकृति में पतले अधरों की हास्य छटा, अधर यानी कि होंठ, पतले होंठ बनाए गए हैं जिस पर मुस्कान है और विचित्र प्रकार का सौंदर्य दर्शाती है। परवल की फांक के समान भावपूर्ण नेत्र, आंखें कैसी हैं, परवलाकार हैं, नुकीली नासिका, नाक नुकीली है, मुख गोल है, दोहरी एवं कुछ आगे निकली ठुड्डी, जो ठुड्डी है वो दोहरी बनाई गई है और कुछ निकली हुई है, पीछे की ओर जाता हुआ ललाट यानी मस्तक, लंबी बाहें हैं और मेहंदी युक्त उंगलियां हैं, यानी हाथों पर उंगलियों पर मेहंदी लगी हुई है और वेणी पृष्ठभाग से झूलती हुई दिखाई गई है, यानी जो चोटी है वो पीछे झूलती हुई दिखाई गई है। और फिर आती हैं पुरुष आकृतियाँ, तो पुरुष आकृतियाँ कैसी बनी हैं, पुरुष चौड़ी छाती वाले बनाए गए हैं, गोल मुख है, दाढ़ी व मूछों से युक्त चेहरा है और चिबुक यानी ठुड्डी कैसी है, भारी है। अब आती हैं पोशाक और आभूषण, यानी स्त्री और पुरुषों के जो आभूषण हैं वो कैसे हैं और वस्त्र कैसे हैं। बूंदी शैली के चित्रों में पुरुषों को चौकोर लंबा चक्रदार जामा, चुन्नटदार पैजामा और कमर पर मुगल शैली में प्रचलित लंबा एवं शकरा पट्टा और सिर पर अटपटी पगड़ी बांधे हुए दिखाया गया है। आभूषणों में गले में मोतियों की माला दिखाई गई है, हाथों में कड़े पहने हैं और कानों में बुंदे हैं एवं अन्य जड़ाऊ आभूषण जो पुरुषों के शरीर पर दिखाई गए हैं। फिर आती हैं स्त्री आकृतियाँ और इनमें कौन सी पोशाक है, कौन से आभूषण हैं, तो स्त्री आकृतियों को प्रायः काले रंग के लहंगे, यानी लहंगा कैसा है, काले रंग का है, लाल सुवर्ण आलेखन युक्त पारदर्शी चुनरी, और चुनरी कैसी है, लाल है, जिस पर सुवर्ण यानी सोने से अलंकरण किया हुआ है और धवल चोली पहने हुए दिखाया गया है, और चोली कैसी है, सफ़ेद है। ये यहाँ की प्रमुख विशेषता है, ध्यान रखिएगा। बूंदी शैली में जो नारी आकृतियाँ हैं वो काला लहंगा पहने हैं और सफ़ेद उनकी जो चोली है सफ़ेद है, और जो उनकी ओढ़नी है वो कैसी है, लाल है। आभूषणों में सिर पर बोरला, बोरला एक तरीके का मांगटीका जैसा होता है, गले में कंठी, नाक में छोटे छोटे मोती, उंगलियों में हथफूल, ललाट के नीचे लटकती जड़ाऊ बिंदी दिखाई गई है, यानी मस्तक पर जड़ाऊ बिंदी है, और अलंकारों में बाहुओं के नीचे तक झूलती सुनहरी झुमके विशेष हैं। तो ये हो गई नारी आकृतियाँ। और अब आते हैं यहाँ के भवन। बूंदी शैली के चित्रों में श्वेत रंग भवनों के चित्रण के लिए प्रयोग किया गया है, यानी भवन कैसे हैं, सफ़ेद रंग के हैं, जिस पर विधिवत आलेखन दर्शित है और भवनों पर आलेखन भी दिखाया गया है। आकाश की ओर उठे हुए शिखरों के सुवर्ण कलश यानी सोने के कलश और छोटी छोटी लाल पत्थर की विविध बेल बूटों से काटी गई जालियां व झरोखे, गोल गुंबदाकार और घुमावदार राजस्थानी छतरियां भी दिखाई गई हैं। मणिकुट्टिम से सुसज्जित भित्तियां और चौक चित्रित हैं। तो ये हो गई भवनों की विशेषताएं। यहाँ पर जो जालियां भी बनाई गई हैं और मणिकुट्टिम से सजावट की गई है। मणिकुट्टिम ये एक प्रकार की सजावट होती है, गूगल पे आप डालकर देखिएगा, समझ जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर हो गई भवनों की, और भवन ध्यान रखिएगा कि श्वेत रंग के हैं। फिर अगला पॉइंट आता है हाशिए। बूंदी के चित्रों में हाशिए लाल और हिंगुल में या पीले व हरे रंग में हैं। हाशिए जो हैं वो कैसे हैं, लाल या फिर हिंगुल,
और या फिर पीले और हरे रंग में दिखाए गए हैं, जिसमें बाहर और भीतर स्वर्ण रेखाएं बनाई गई हैं। फिर अगला पॉइंट आता है प्रकृति चित्रण। सघन प्राकृतिक सूक्ष्मा बूंदी शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता है, यानी बूंदी शैली में जो प्रकृति है उसका बहुत सघन अंकन किया गया है, यानी घना, और केले के कुंजों, कदली, केली व ताड़ के वृक्षों का जमघट, कहीं कहीं पर वृक्ष लाल पीले पुष्पों से पुष्पित हैं, यानी वृक्षों पर लाल पीले फूल भी दिखाए गए हैं, तो कहीं पर लतिकाओं से आच्छादित हैं, यानी कि कहीं पर बेल हैं। पशु पक्षियों को भी प्राकृतिक परिवेश के साथ में चित्रित किया गया है, यानी जो प्राकृतिक परिवेश है, पेड़ पौधे, इन सब के साथ में पशु पक्षियों को भी दिखाया गया है। आकाश का वर्ण विधान बूंदी चित्र योजना की मुख्य विशेषता है। आकाश का जो वर्ण विधान है, यानी जो रंग विधान है, वो बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। और आकाश यहाँ पर कैसा दिखाया गया है, तो चित्रकार ने आकाश में बादलों को लाल तथा सुनहरे रंगों से इंद्रधनुष जैसा आभा बिखेर दी है, यानी इंद्रधनुषी यहाँ पर आकाश दिखाया गया है, जो कि बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है, इसे ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ बूंदी शैली समाप्त हो जाती है और अगली शैली है यहाँ पर कोटा शैली। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसे। तो यहाँ पर हम सभी टॉपिक समझेंगे, जैसे कि कोटा शैली क्या है, क्या इसका इतिहास रहा और इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन से चित्रकारों ने कोटा शैली के अंतर्गत काम किया है और कोटा शैली के कौन कौन से प्रमुख चित्र हैं। तो हर एक पॉइंट आपको डिटेल से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है स्थिति एवं नामकरण, यानी कोटा कहाँ पर स्थित है और इसका जो नामकरण है, यानी कोटा नाम कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या कारण थे। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिटेल से समझते हैं। बूंदी से 32 किलोमीटर दूर बसा यह नगर आज राजस्थान के समृद्ध नगरों में से एक है, यानी बूंदी से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर कोटा राज्य है। पहले तो खैर ये राज्य हुआ करते थे, अब ये राज्य नहीं है, अब ये नगर है और राजस्थान के समृद्ध नगरों में से एक गिना जाता है। कोटा शैली सन 1952 तक अज्ञात थी, यानी 1952 से पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर क्या होता है, 1952 में कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने जब अपना निजी संग्रह, यानी जो खुद का संग्रह था, वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन को भेंट करते हैं, तो उस संग्रह से कुछ चित्र बूंदी से बिल्कुल भिन्न तर्ज में पाए गए। यानी कि जो इनका खुद का संग्रह था, जो इन्होंने खुद संग्रह करके कुछ चित्रों को रखा था, वो जब ये कहाँ भेजते हैं, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन को, तो वहाँ पर इन चित्रों की अच्छे से जांच होती है और वहाँ पर क्या देखा जाता है कि कुछ चित्र बूंदी शैली से बिल्कुल भिन्न तर्ज पर हैं, यानी उनकी विशेषताएँ बूंदी से अलग हैं। तभी से यह माना गया कि प्रारंभ में बूंदी शैली से पल्लवित कोटा चित्रण बूंदी के समान था, किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश से कोटा शैली का अपना निजस्व उभर कर आ गया। यानी कि जो कोटा शैली है उसका स्वतंत्र अस्तित्व सामने आ गया। तो इस प्रकार से कोटा शैली की शुरुआत हुई। फिर आगे समझिए इसका नामकरण कैसे हुआ। बूंदी के राव समर सिंह के समय में चंबल के दाहिने किनारे पर भीलों का राज्य था, जिसका जो नेता है वो कोट्या था, इसी से इस क्षेत्र का नाम कोटा पड़ गया। तो राव समर सिंह के समय में चंबल के दाहिने किनारे पर एक भीलों का राज्य था और उस राज्य का जो नेता था उसका नाम था कोट्या। तो कोट्या के नाम से ही उस क्षेत्र का जो नाम है वो कोटा पड़ गया और वर्तमान में भी आप इसे कोटा नाम से जानते हैं। अब समझिए अगला पॉइंट आता है ऐतिहासिक कालवृत्त, यानी यहाँ पर कौन कौन से राजा हुए, किसने कला को बढ़ावा दिया, किसके समय में कला से संबंधित क्या काम होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। बूंदी राज्य के नरेश राव रतन सिंह के द्वितीय पुत्र माधो सिंह हाड़ा की वीरता और दूरदर्शिता से प्रसन्न होकर शाहजहां ने हड़ौती क्षेत्र के कुछ भाग उसे जागीर के रूप में दे दिए, जिसके परिणाम स्वरूप ही 1625 में
कोटा राज्य की स्थापना हुई और राव माधो सिंह मुगल दरबार के महत्वपूर्ण शक्तिशाली सेनापति थे, जिन्होंने कटक से लेकर सिंधु नदी तक मुगलों की ओर से महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी, साथ ही अपने राज्य को भी स्थायित्व प्रदान किया। तो यहाँ पर कुछ शुरुआती चीज़ें दी हुई हैं कि कोटा की स्थापना कैसे हुई, किसने की वो चीज़। आगे समझिए, राव माधो सिंह के बाद उनका जो पुत्र है राव मुकुंद सिंह, ये गद्दी पर बैठा यानी राजा बना। इन दोनों राजाओं ने कोटा के स्थापत्य और कला को बढ़ावा दिया, यानी जो राव माधो सिंह हैं और उनका पुत्र राव मुकुंद सिंह, इन दोनों ने कोटा के स्थापत्य में और उसकी कला में अपना योगदान देते हैं, किंतु इनके समय की चित्रकला पर बूंदी कलम का ही प्रभाव था, यानी पहले से जो बूंदी शैली चल रही थी उसी का प्रभाव यहाँ पर जो स्थापत्य में काम हुआ या फिर जो कला में काम हुआ उस पर बूंदी शैली का ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। फिर 17वीं शती के अंत से ही कोटा शैली अपनी शैलीगत मौलिकता बन जाती है और इस शैली को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय राजा राम सिंह को जाता है। राम सिंह का समय दिया हुआ है 1687 से 1707 ईस्वी, तो इनके समय में जो कोटा शैली है उसका स्वतंत्र अस्तित्व सामने आता है। उनके समय के कुछ चित्र नगरपालिका संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित हैं, यानी राम सिंह के समय के जो कुछ चित्र हैं वो नगरपालिका संग्रहालय इलाहाबाद में संग्रहित हैं। फिर इनके बाद में महारावल भीम सिंह के समय में कोटा में वल्लभ संप्रदाय का विशेष प्रभाव था। वल्लभ संप्रदाय का विशेष प्रभाव था किसके समय में? महारावल भीम सिंह के समय में। कोटा में मथुरेश जी का स्वरूप प्रधा चुका था और श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ से पूर्व कोटा भी आई थी, अतः इसी से कोटा वल्लभों का प्रमुख केंद्र बन गया। अब समझिए, यहाँ पर जो महारावल भीम सिंह हैं इनके समय में जो वल्लभ संप्रदाय है इसका यहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव था, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर जो राधा कृष्ण हैं उनसे संबंधित चित्र बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मथुरेश जी का स्वरूप पधार चुका था। मथुरेश जी का मतलब भगवान कृष्ण का, और जो श्रीनाथ हैं ये भगवान कृष्ण का ही एक रूप है। महारावल भीम सिंह जी ने बारा में सांवला जी का मंदिर बनवाकर अपने सर्वस्व को उन्हीं के चरणों में निछावर कर दिया, यानी ये कृष्ण के भक्त थे। और कोटा नाम, जो कोटा का नाम है वो नंदग्राम रख दिया। महारावल स्वयं का नाम कृष्णदास रख लिया। महारावल स्वयं ने मतलब खुद का नाम इन्होंने क्या रख लिया, कृष्ण का दास, कृष्ण का नौकर। ठीक है, खुद को कृष्ण का दास या फिर कृष्ण का नौकर समझने लगे, क्योंकि ये कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। अतः इस समय के चित्रों में कृष्ण विषयक अनेक चित्र बने। महारावल भीम सिंह के समय में कृष्ण से संबंधित बहुत सारे चित्रों का निर्माण होता है, और यह चित्रण परंपरा महारावल अर्जुन सिंह के समय में भी चलती रही। कोटा राज की संग्रह में उनके समय के अनेक चित्र उपलब्ध हैं। अर्जुन सिंह के बाद उनका उत्तराधिकारी दर्जन साल हुआ, कहीं कहीं पर दुर्जन भी लिखा होता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, दर्जन या फिर दुर्जन साल हुआ। उसे चित्रकला से बड़ा प्रेम था, यानी जो राजा दर्जन साल है इसको भी चित्रकला से प्रेम था, चित्रकला प्रेमी राजा था। इसके समय में राधा कृष्ण व हाथियों की लड़ाई के प्रसिद्ध चित्र बने। इसके समय में राधा कृष्ण से संबंधित और हाथियों की लड़ाई से संबंधित बहुत सारे चित्रों का निर्माण हुआ। और इसके बाद में अजीत सिंह एवं छत्रशाल शासक हुए। छत्रशाल का समय दिया हुआ है 1759 से 1766 ईस्वी। राजा छत्रशाल के समय कोटा शैली की अपनी निजी पहचान उभर कर आई। जो छत्रशाल हैं ये थोड़ा महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि इनके समय में जो कोटा शैली है वो अपनी निजी पहचान बनाती है। इससे पहले इस पर बूंदी शैली का प्रभाव था, अभी आपको बताया गया है, लेकिन राजा छत्रशाल के समय तक जो कोटा शैली है वो अपनी पहचान बना चुकी थी। इस समय के प्रमुख चित्रकारों में लच्छीराम, रघुनाथ, गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद आदि के उल्लेखनीय नाम हैं। यानी ये सब जो चित्रकार यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं ये राजा छत्रसाल के समय में चित्रकला में काम करते थे। राजकीय संरक्षण में रहकर इन चित्रकारों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा के
अद्वितीय नमूने प्रस्तुत किए, यानी यहाँ पर चित्रकारी की अच्छे अच्छे चित्र बनाए। प्रारंभ में दरबारी दृश्य और जुलूस श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित यानी इनकी लीलाओं से संबंधित चित्र, राजाओं की शबीह जो भी राजा हुए उनके व्यक्ति चित्र बनाए गए या फिर शबीह बनाई गई, कोटा शैली के कलाकारों के प्रिय विषय रहे। यहाँ पर विषय दिए हुए हैं कि कोटा शैली के चित्रकारों ने कौन कौन से विषयों पर आधारित चित्रों का निर्माण किया और बारहमासा, राग रागिनियों तथा युद्ध दृश्य आदि विषयों का भी पर्याप्त चित्र बनाए गए। कोटा में जो युद्ध दृश्य हैं यानी जो पशु हैं उनकी लड़ाइयाँ, इस प्रकार के चित्र बहुतायत मात्रा में बने हुए हैं। फिर अगले राजा हैं कोटा के प्रमुख आश्रयदाता राजा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनके समय को आप याद रखिएगा। राजा उम्मेद सिंह, इन्हीं के समय में कोटा शैली का चरमोत्कर्ष होता है। चरमोत्कर्ष का मतलब ये होता है कि इनके समय में जो चित्र बने हैं वो बहुत बढ़िया हैं, कोटा शैली के सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं और इनका समय दिया हुआ है 1771 से 1820 ईस्वी। इनके काल में कोटा शैली की बड़ी उन्नति हुई और उम्मेद सिंह स्वयं कला प्रेमी था, यानी कला से इसे लगाव था, ये चित्र वगैरह बनवाता था। उसकी कोटा महल के प्रांगण में स्थित हवेली में भी चित्र बने हैं, यानी इसकी जो हवेली थी उसमें भी चित्र बने हैं। इस काल में हेमराज जोशी और गुमानी राम आदि चित्रकारों ने बड़ी कुशलता से कार्य किया है। उमेश सिंह को घुड़सवारी और आखेट का बड़ा शौक था, अतः उमेश सिंह कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित सघन वनों में शिकार करने जाया करते थे। यानी जो राजा उमेश सिंह हैं ये कोटा झालावाड़ मार्ग पर जहाँ पर घने जंगल थे वहाँ पर शिकार करने के लिए जाते थे और उनके समय के चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार शिकार के चित्रों की भरमार लगा दी। यानी इन्हें शिकार पसंद था और ये शिकार करने जाया करते थे, तो इनके समय के जो चित्रकार थे वो शिकार से संबंधित उनके बहुत सारे चित्र बनाते थे। वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, उनके समय के चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार जो चित्र हैं उनकी भरमार लगा दी। राजमहल की भित्तियों पर शिकार के सुंदर चित्र कोटा की ठेठ शैली में बने हैं। आखेट के कई चित्र प्राप्त होते हैं जिनमें पेड़ पौधों, चट्टानों, वन्य पशु पक्षी आदि के भव्य दृश्य अंकित किए गए हैं। यानी इनके समय में आखेट से संबंधित बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। इस काल में राग रागिनियों से संबंधित कई चित्र राज संग्रहालय में संकलित हैं, यानी राज संग्रहालय में रखे हुए हैं। फिर अगले राजा होते हैं उम्मेद सिंह के बाद किशोर सिंह शासक बना, लेकिन झाला मदन सिंह के असहयोग से उसे भारी विपत्ति उठानी पड़ी। 19वीं शती के प्रारंभ में वल्लभोत्सव, चंद्रिका व पंचमेल ग्रंथों की विषय वस्तु पर अनेक चित्र बने। किशोर सिंह के उत्तराधिकारी राम सिंह के समय में जयपुरी व कंपनी चित्रों का प्रभाव आने लगा। यानी कि जो राजा राम सिंह हैं इनके समय में कोटा शैली के चित्रों पर इसका प्रभाव आ जाता है, जयपुर शैली का और कंपनी शैली का। जो शत्रुसाल जिनका समय दिया हुआ है 1968 से 1991, इनके समय में अधिक उजागर हो गया और यहीं से जो कोटा शैली है वो समाप्त हो जाती है। फिर आगे आता है चित्र विवरण। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख चित्र प्राप्त हुए हैं जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत समझ लीजिए। तो राग रागिनियों के चित्रों के साथ साथ नायिका भेद का भी चित्रण कोटा में हुआ है। चित्र के मध्य में नायक और नायिका बैठे हैं और नायिका कुछ रूठी हुई है और नायक उससे मना रहा है। ये नायक नायिका भेद वाले चित्र हैं जिनमें एक ऐसा चित्र है नायिका बैठी हुई है और कुछ रूठी सी लग रही है, नायक उसे मना रहा है। एक सेविका भी है जो पंखा झल रही है यानी पंखा चला रही है। दो सेविकाएं कुछ लेकर जा रही हैं और चित्र में सुनहरे व सफ़ेद रंग का प्रयोग हुआ है। महल और उसकी बुर्जियों पर पताका फहराती हुई चित्रित हुई है। तो ये नायक नायिका भेद वाला चित्र है जिसमें क्या चीज़ें दिखाई गई हैं वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला चित्र है राधा कृष्ण का। इसमें क्या है, राधा कृष्ण का एक चित्र है जिसमें वीड़ाधारी कृष्ण राधा के पास खड़े हैं। यानी कृष्ण के पास एक वीड़ा है और वो राधा के पास में खड़े हुए हैं। राधा बैठी हैं, सरोवर में नाव का भी अंकन है और पास में जो सरोवर है उसमें नाव भी बनी हुई है, जबकि कृष्ण व बलराम को पेड़ के नीचे खड़ा दिखाया गया है और सामने एक ग्वाला है, गायें और बछड़े भी हैं,
बंदर, मोर और अन्य पक्षी भी चित्रित हैं। फिर ये कोटा का ही एक चित्र है। फिर आगे समझिए, पौराणिक आख्यानों के अंतर्गत यानी जो पौराणिक कहानियां हैं उनसे संबंधित एक चित्र है, राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए ये चित्र बना हुआ है और साथ में लक्ष्मण व हनुमान भी दिखाए गए हैं। फिर नाथ द्वारा की तरह कोटा भी पोस्ट मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का केंद्र रहा है, अभी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर कृष्ण लीला को लेकर कोटा शैली में जो असंख्य चित्र बने हैं वो पुष्ट मार्गी भावना से ओतप्रोत हैं। कोटा शैली के पुष्ट मार्गी कथा प्रसंगों को श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोचारण और माखन लीला आदि, ये सभी कैसे विषय हैं जो कि पुष्ट मार्गी कथा प्रसंगों से लिए गए हैं। अधिकांश रघुनाथ तथा गोविंद नामक कलाकारों ने चित्र के रूप में उजागर किया है। तो जैसा कि अभी आपको ऊपर बताया गया था कि कोटा शैली में कृष्ण से संबंधित चित्र बनाए गए हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र, भित्ति चित्र आप समझते हैं जो दीवारों पर बनाए जाते हैं, तो भित्ति चित्र हमें कहाँ देखने को मिले हैं, झाला की हवेली, राजमहल, देवता जी की हवेली में देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण भित्ति चित्र हैं। इसके बाद में आते हैं प्रमुख चित्र, तो स्त्रियों द्वारा सिंह का आखेट यानी शेर का शिकार, राम द्वारा हिरण का शिकार अभी आपको बताया गया, चीते का शिकार, हाथियों की लड़ाई, नायिका कांटा निकालते हुए और वीड़ाधारी कृष्ण तथा राधा। तो ये कुछ कोटा के प्रमुख चित्र थे। अब आती है बूंदी शैली के, सॉरी कोटा शैली के चित्रकार, इसे सही कर लीजिए, यहाँ पर कोटा होगा। तो कोटा शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं? कोटा शैली के चित्रकार हैं रघुनाथ, गोविंद राम, लक्ष्मी राम, नूर मोहम्मद, डालू और हेमराज। तो ये सभी कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर आती हैं विशेषताएं, यहाँ पर भी आप कोटा कर लीजिए, कोटा शैली के चित्रों की विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं ध्यान रखिएगा, विशेषताएं देखिए खूब पूछी जाती हैं और कुछ चीज़ें मेल भी खाती हैं। अभी आप बूंदी शैली पढ़ेंगे, कोटा शैली पढ़ेंगे, तो कुछ विशेषताएं मेल भी खाती हैं, तो उनको आप एक साथ याद रखिए, जो विशेषताएं एक दूसरे से मेल खाती हैं, लेकिन कुछ विशेषताएं ऐसी मिलेगी जो एक दूसरे से अलग हैं, तो उनको आप अलग से याद रखिए ताकि मिक्स ना हो, पता चले बूंदी की कोटा में लिख के आ जाएँ, कोटा की बूंदी में लिख के आ जाए, तो ऐसा हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो ये स्वाभाविक बात है, ये होता है। अगर आप उस चीज़ को बार बार नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ें होंगी और विशेषताएँ आप इधर से उधर करके आएँगे। जब मैंने राजस्थानी शैली स्टार्ट की तभी आपको मैंने बताया था कि विशेषताएं आपकी एक दूसरे से मैच करेंगी और उसमें आप कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए वीडियो को देखिए, अपने नोट्स बनाइए, तो आपको सारी चीज़ें खुद से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए फिर समझते हैं, यहाँ पर कोटा यद्यपि बूंदी से बहुत निकट है परंतु बूंदी शैली से कई भिन्नताएँ प्राप्त होती हैं, यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कोटा है वो बूंदी से बहुत पास में है, लेकिन फिर भी जो कोटा के चित्र हैं वो बूंदी से कुछ भिन्नता रखते हैं। और कौन कौन सी भिन्नताएं हैं तो समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप समझिए स्त्री आकृतियाँ, यहाँ पर जो स्त्री आकृतियाँ बनाई गई हैं वो कैसी हैं। स्त्री आकृतियों का चित्रण कोटा शैली में अत्यंत सुंदर हुआ है। पीन अधर यानी जो अधर हैं वो कैसे हैं, मांसल युक्त हैं, ठीक है, मांसल युक्त अधर हैं, अधर मतलब होंठ, सुदीर्घ नासिका, लंबी नाक है, पतली कमर है, उन्नत उरोज यानी सीना उभरा हुआ है, कपोल खिले हुए हैं, कपोल यानी गाल, खूब भरे भरे गाल बनाए गए हैं। सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। कद अपेक्षाकृत छोटा है, ध्यान रखिएगा कद छोटा है, आँखें खंजनाकार हैं, गर्दन मांसल युक्त हैं और नारियाँ घाघरा ओढ़नी पहने हुए चित्रित हैं। तो ये विशेषताएं हो गई नारी आकृतियों की। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर पुरुष आकृतियाँ, यानी कोटा शैली की जो पुरुष आकृतियाँ हैं वो कैसी बनी हैं। पुरुष आकृतियों में मुख्यतः वृषभ कंधे यानी मजबूत कंधे हैं, उन्नत भौं हैं, मांसल युक्त देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें यानी चेहरे पर दाढ़ी और मूछें भी दिखाई गई हैं, तलवार कटार आदि हथियारों से युक्त, यानी पुरुषों को तलवार और कटार इस प्रकार के हथियारों को पकड़े हुए दिखाया गया है, और मोतियों से जड़े आभूषण छवि को चार चांद लगाते हैं, यानी पुरुषों को आभूषण पहने हुए भी दिखाया गया है जिनमें मोती वगैरह जड़े हुए हैं।
फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर रंग विधान, यानी कोटा शैली में जो रंग लगाए गए हैं वो कौन से हैं। कोटा शैली के चित्रकारों ने अनेक रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में किया है, किंतु हल्के हरे, पीले और नीले रंग का प्रयोग बहुतायत हुआ है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि कोटा शैली में हल्के हरे, पीले और नीले रंग का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। अधिकतर बॉर्डर लाल और नीले रंग के बने हैं। मुख्यतः चित्रों के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा बनाई गई है। और इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि कोटा शैली के जो चित्र हैं उनके चारों तरफ एक हरे रंग की रेखा बनाई गई है, जो आपको कोटा शैली में ही दिखाई पड़ती है। यह विशेषता कोटा चित्रों में पाई जाती है। तो वही चीज़ मैं आपको भी बता रही थी कि कुछ विशेषताएं आपको एक दूसरे से अलग मिलेंगी, जो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये विशेषता किस शैली की है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि कोटा शैली में जो आकृतियाँ हैं उनके चारों तरफ एक हरे रंग की लाइन बनी है, और ऐसी लाइन केवल कोटा शैली के चित्रों में ही दिखाई पड़ती है। अगला पॉइंट है प्राकृतिक छटा, यानी यहाँ पर नेचर को, प्रकृति को किस प्रकार से दिखाया गया है। कलाकारों ने दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्यों को कल्पना का सहारा लेते हुए चित्रित किया गया है। यहाँ पर खूब घने घने जंगलों को दिखाया गया है, जिसमें शेर, चीते, सुअर तथा अन्य जानवर हैं, जिसमें हाथी प्रमुख है, यानी प्रमुख रूप से हाथी को यहाँ पर चित्रित किया गया है। आखेट के चित्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़, पौधे, चट्टाने व पृष्ठभूमि में पहाड़ों का अंकन है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोटा शैली में शिकार दृश्य जो हैं वो अधिक बनाए गए हैं, और शिकार कहाँ होगा, जंगल में, तो उसी के चक्कर में यहाँ पर जंगल भी बने हैं। जंगलों का खूब अंकन किया गया है, और जंगल कैसे होते हैं तो हरे रंग के, तो यहाँ पर हरा रंग, नीला रंग ये भी प्रयुक्त हुए हैं। फिर अगला पॉइंट आता है पशु पक्षी। तो चित्रों में हाथी, घोड़े, शेर, चीता, सुअर, गाय, बछड़े, बंदर, मोर, सारस और अन्य पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। तो ये हो गए यहाँ के पशु पक्षी। तो इसी के साथ कोटा शैली भी समाप्त होती है, और अगला टॉपिक है यहाँ पर ढूंढार चित्रकला या फिर जयपुर शैली, और इसके बाद राजस्थानी चित्रकला के सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसे। ढूंढार चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण शैली जो है वो जयपुर शैली है, इसीलिए हम जयपुर शैली को ढूंढार शैली के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अगर पेपर में पूछा जाए कि ढूंढार शैली की विशेषताएं लिखिए, या फिर ढूंढार शैली से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, तो आपको जयपुर शैली ही लिखनी होगी। क्लियर हुआ इतना? अब चलिए इसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके नामकरण के बारे में। ढूंढार चित्रकला शैली में जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावटी एवं उनियारा आदि का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। यानी अभी आपको मैंने बताया था कि ढूंढार चित्रकला के अंतर्गत कुछ उप शैलियाँ आती हैं, तो वही यहाँ पर दी हुई हैं, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा। और आपके सिलेबस में जयपुर शैली है, तो इसीलिए हम जयपुर शैली को पढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र ढूंढ नदी के किनारे बसा था, अतः यहाँ की चित्र शैली को ढूंढार शैली कहा गया। कछवाहा राजपूत के शासनकाल में फलने फूलने से इसे कछवाहा चित्रकला भी कहा गया। यानी जिस क्षेत्र में ढूंढार शैली चली थी, यहाँ पर ढूंढ नदी थी, मतलब आस पड़ोस में कहीं पर ढूंढ नदी थी, तो ढूंढ नदी के किनारे बसा होने के कारण जो इस क्षेत्र में चलने वाली शैली थी उसे ढूंढार शैली कहा गया। और इस क्षेत्र पे जो राजपूत राजा थे वो कछवाहा वंश के थे, तो उन्हीं के शासनकाल में ये शैली फली फूली, इसीलिए इसको कछवाहा शैली के नाम से भी जानते हैं, कछवाहा शैली या फिर कछवाहा चित्रकला। और सवाई जयसिंह से पूर्व आमेर में चित्र रचना होने के कारण इसे आमेर शैली के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो राजा सवाई जयसिंह हैं, इनसे पहले ये शैली जो है जयपुर शैली, इसके चित्र कहाँ पर बने, आमेर में, तो इसीलिए हम इसके आमेर शैली के नाम से भी जानते हैं। अतः ढूंढार, कछवाहा, आमेर व जयपुर चित्र शैलियाँ एक ही चित्र परंपरा के विभिन्न घाट हैं, मतलब एक ही शैली के ये विभिन्न नाम हैं। आप समझिए इसका ऐतिहासिक वृत्त। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि जो जयपुर के कौन कौन से राजा हुए, इन्होंने जो ये शैली आपकी है जयपुर शैली, इसके अंतर्गत क्या काम करवाया है, और यहाँ पर कौन कौन से चित्रकार हुए,
उन्होंने किस प्रकार के चित्रों का निर्माण किया है, तो सारी चीज़ें हम विस्तार से समझेंगे। तो महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम, जिनका समय दिया हुआ है 1699 से 1743, इनका काल कला की प्रगति की दृष्टि से कई अर्थों में महत्वपूर्ण रहा। इन्होंने बड़े वैज्ञानिक और नियमबद्ध तरीके से सन 1727 में जयपुर नगर को बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी कि 1727 में जयपुर नगर किसने बसाया था? महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने। ध्यान रखिएगा कि जयपुर नगर को किसने बसाया था? महाराजा सवाई जयसिंह प्रथम ने 1727 में, और अपने नाम से ही इन्होंने जो नगर बसाया उसे जयपुर नाम दे दिया। इनका नाम जयसिंह था तो जो इन्होंने नगर बसाया उसे जयपुर नाम दे दिया। महान गणितज्ञ, ज्योतिष तथा नक्षत्र शास्त्री होने के कारण उन्होंने एक वेदशाला का निर्माण कराया। वेदशाला क्या होती है? जहाँ पर नक्षत्रों की गणना की जाती है। तो इन्होंने वेदशाला का निर्माण भी करवाया था। और इसके अतिरिक्त चंद्रमहल, जयनिवास तथा सिसोदिया रानी का महल इत्यादि भव्य इमारतें यहाँ पर बनवाई, यानी कहाँ पर? जयपुर में। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमहल, जयनिवास और सिसोदिया रानी का महल, ये सभी इमारतें किसने बनवाई थी? राजा जयसिंह प्रथम ने। और यही नहीं, सवाई जयसिंह ने अपने राज चिन्हों, रोजमर्रा की वस्तुएं यानी डेली इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें, कला का खजाना, सा और साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना भी करवाई, जिनमें से एक जो कारखाना है वो सूरत कारखाना है। यहाँ चित्रकार चित्रों का निर्माण करते थे, यानी जो सूरत खाना है यहाँ पर जो चित्रकार हैं वो चित्रों का निर्माण करते थे। इसी समय में रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा और रागमाला इत्यादि चित्रों का निर्माण हुआ। यहाँ पर जो हाईलाइट किए हुए पॉइंट लिखे हुए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये सभी चित्र मुगलिया प्रभाव लिए हुए थे, यानी इनके समय में जो चित्र बनाए गए उन पर मुगल शैली का बहुत अधिक प्रभाव था। इस समय के दरबारी चित्रकार मोहम्मद शाह व साहिब राम थे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं एक एक करके बहुत अच्छे से समझिएगा, वरना फिर आप लास्ट में आकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसके समय में क्या काम करवाया गया है। तो ये राजा महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि इन्होंने ही जयपुर नगर की स्थापना की थी। आप समझिए आगे। और एक चीज़ यहाँ पर आप और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम सभी राजाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल उन्हीं राजाओं को हम पढ़ेंगे जिन्होंने कला में कुछ काम करवाया है, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब आगे समझिए, सवाई जयसिंह के बाद उनके पुत्र महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह राजा बने, जिनका समय है 1743 से 1750। अब ये क्या करवाते हैं? इस समय चित्र सृजन का केंद्र आमेर से हटकर जयपुर आ गया। पहले चित्र आमेर में बनते थे, अभी आपको बताया गया है, तभी इसको हम आमेर शैली भी कहते हैं। तो जो राजा ईश्वरी सिंह हैं इनके समय में क्या होता है, आमेर से जो चित्र रचना हटकर कहाँ पर होने लगी? जयपुर में। इन्होंने ईशर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। ये सभी इमारतें हैं, ईशर लाट, सिटी पैलेस और अभी ऊपर आपने पढ़ी, ये सभी क्या हैं? इमारतें हैं। यही नहीं, सभी प्रकार के कला कौशल को उन्नत किया, मतलब जो भी कला शैलियाँ थी, जो भी कला में काम हो रहा था उन्होंने इसको बढ़ावा दिया। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने। उनकी रुचियों में हाथी की सवारी करना, हाथियों की लड़ाई देखना प्रमुख था। यानी जो राजा ईश्वरी सिंह हैं इनको हाथी की सवारी करना, हाथियों की लड़ाई देखना, ये सभी चीज़ें पसंद थी। और संग्रहालयों में प्राप्त चित्रों में ईश्वरी सिंह को सवारी करते हुए अंकुश से हाँकते दर्शाया गया है। यानी राजा को ये सब चीज़ें पसंद थीं, तो उनकी पसंद के अनुसार इनके समय में उस प्रकार के चित्र भी बनाए गए हैं। ये चित्र काल्पनिक ना होकर उन घटनाओं के आधार पर बने हैं जिन्हें चित्रकारों ने अपनी आँखों से देखकर अंकित किया है। यानी जो भी चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जैसे राजा हाथी की सवारी कर रहे हैं, तो ये जो चित्र हैं ये काल्पनिक नहीं है, चित्रकारों ने स्वयं ये चीज़ें देखी थी और उन्हीं का अंकन किया था, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। जानवरों का दुख, भय, उल्लास आदि भावनाओं का सफल चित्रांकन यहाँ पर हुआ है।
साहिब राम व लाल चितेरा इस समय के प्रमुख चित्रकारों में से एक थे। यानी ईश्वरी जो राजा ईश्वरी सिंह हैं इनके समय में साहिब राम हो गया, लाल चितेरा हो गया, ये कुछ महत्वपूर्ण चित्रकार हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने उपरोक्त चित्रों का सफलतापूर्व चित्रांकन किया है। यानी जो आपको अभी ऊपर चित्र बताए गए हैं इन सबका चित्रांकन साहिब राम और लाल चितेरे ने किया है। अब समझिए अगले राजा आते हैं, महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम। इनका समय दिया हुआ है 1750 से 1767 ईस्वी। इनके समय कलाकारों ने चित्रण के स्थान पर रंगों को ना भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी की मड़ियाँ इत्यादि को चिपकाकर मणिकुट्टिम प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है, राजा माधो सिंह के समय में जो चित्र हैं उनमें मणिकुट्टिम तकनीक का प्रयोग किया गया है। मणिकुट्टिम तकनीक मतलब होती है उसमें जो चित्रों में जैसे मोती हो गया, लाख हो गई, लकड़ी की बहुत सारी जो मड़ियाँ हो गई वो बनाकर चित्रों के ऊपर चिपका देते थे। यानी ये उभार वाला थोड़ा काम हो गया, तो ये सब राजा माधो सिंह के समय में हुआ है। और आप गूगल पर डाल के देख लीजिएगा कि मणिकुट्टिम तकनीक क्या होती है, आप समझ जाएंगे। साहिब राम चित्रकार वृद्ध होने पर भी जो राजा ईश्वरी सिंह हैं इनके कनिष्ठ भ्राता यानी छोटे भाई सवाई माधो सिंह प्रथम के समय में भी बड़े आकार के चित्र बनाता रहा। यानी जो चित्रकार साहिब राम हैं ये माधो सिंह के समय में भी कार्य किया है और इससे पहले ईश्वरी सिंह के समय में भी चित्र बनाया है, अभी आपने पढ़ा, जिनमें प्रमुख रूप से सवाई माधो सिंह को ही विभिन्न मुद्राओं में चित्रित किया गया है। जैसे कि दरबार में जनानी मजलिस यानी कि जहाँ पर जो रानियाँ वगैरह हैं उनकी जो सभा लगती है, सभा आप कह सकते हैं, मजलिस का मतलब होता है एक प्रकार से सभा, ठीक है, जहाँ पर सभी लोग बैठे होते हैं, तो जनानी मजलिस यानी जहाँ पर औरतें वगैरह बैठती हैं, औरतों की जो सभा होती है उसमें जो राजा माधो सिंह हैं उनको बैठे हुए दिखाया गया है। और शिकार यानी इनको शिकार करते हुए, घुड़सवारी करते हुए, हाथियों की लड़ाई देखते हुए और उत्सव व त्योहारों में सम्मिलित होते आदि। तो यहाँ पर जो राजा माधो सिंह हैं इनको अलग अलग तरीक़ों से दिखाया गया है, जैसे कि शिकार करते हुए, घुड़सवारी करते हुए, हाथियों की लड़ाई देखते हुए, विभिन्न उत्सवों में शामिल होते हुए। अन्य चित्रकारों में रामजी दास व गोविंदा भी प्रमुख थे। सवाई माधो सिंह को विभिन्न वेशभूषाओं में चित्रित किया। यानी कि जो यहाँ पर चित्रकार दिया है साहिब राम, इसने तो राजा को विभिन्न रूपों में दिखाया ही है, इसके साथ जो रामजी दास हैं, गोविंदा है, इसने भी माधो सिंह को अलग अलग तरीके से चित्रित किया है। लाल चितेरा भी राजकीय खेलों के दृश्यों को चित्रित करने में रुचिशील रहा। यानी जो लाल चितेरा है इसने राजकीय खेलों के दृश्यों को विशेष रूप से बनाया है। इस प्रकार परिष्कृत जयपुरी चित्रों का निर्माण प्रारंभ हो गया। यानी कि जो जयपुर शैली है वो धीरे धीरे अब खुद निखर के आने लगी। इससे पहले यहाँ पर मुगल शैली का बहुत अधिक प्रभाव था, लेकिन धीरे धीरे जो जयपुर शैली है वो अपना स्वरूप दिखाने लगती है, खुद निखर के आने लगती है। सवाई प्रताप सिंह, इनका समय है 1779 से 1803 ईस्वी। इन्होंने जयपुर कलम के जीवन में एक नया पृष्ठ जोड़ा। पुष्टि मार्ग होने के कारण कृष्ण भक्ति में विशेष अनुराग था। यानी कि ये कृष्ण के भक्त थे और ये स्वयं ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं करते थे। ध्यान रखिएगा सवाई प्रताप सिंह ये ब्रजनिधि उपनाम से कविताएं भी करते थे और कृष्ण भक्त थे। अतः वल्लभी परंपरानुगत कवि चित्रकार और भक्त होने के कारण दरबार में कवि और चित्रकारों का जमघट रहता था। इनके समय में बहुत सारे चित्रकार थे। इन्होंने जगत प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल आपने खूब पढ़ा होगा, इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कलात्मक रीति से दरवाजे, इन्होंने दरवाजे भी बनवाए हैं जिसपे बहुत अलंकरण होता था। दरवाजों सहित प्रीतम निवास और चंद्र महल 5 मंजिला इन्होंने करवा दिया और दीवाने आम का भी निर्माण करवाया। जय निवास बाग को गोविंद देव जी मंदिर में बदल दिया। जो जय निवास बाग था इसको इन्होंने गोविंद जी मंदिर में बदल दिया। तो इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत कार्य करवाए और स्वयं ये ब्रजनिधि नाम से
जो कविताएं करते थे, कृष्ण भक्त थे, तो ये थोड़ा महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि इन्हीं के समय में जयपुर शैली का चरमोत्कर्ष होता है। आगे समझिए, यहाँ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह के समय में 50 से भी अधिक कलाकार सूरत खाने में चित्रों को बनाने के लिए नियुक्त किए गए। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि इनके समय में चित्रकारों का जमघट लगा हुआ था, यानी बहुत सारे चित्रकार थे, तो 50 से भी अधिक चित्रकार इनके समय में कार्यरत थे, जिनमें सेवक राम, गोपाल, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम, लक्ष्मण, सालग्राम, ये शालिग्राम और शालग्राम ये एक ही हैं, ठीक है, फैडुला, हीरा, मंगला, सीता, ये कुछ महिला कलाकार भी हैं, और साहिब राम, शिवदास, रामजी दास, शामला, हरिनारायण, गोविंद राम आदि कलाकार प्रमुख थे। तो यहाँ पर कुछ चित्रकार दिए हुए हैं जो इनके समय में कार्यरत थे, यानी चित्रों का निर्माण किए। जयपुर शैली की विशेषताओं के लिए साहिब राम कलाकार द्वारा बने चित्र, राधा कृष्ण का नृत्य, महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र विशेष प्रसिद्ध है। तो इनके समय के कुछ चित्र हैं, राधा कृष्ण का नृत्य, महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र, तो ये कुछ विशेष चित्र हैं। इसके अतिरिक्त चित्रकारों में रामायण, कृष्ण लीला, रागमाला, गीत गोविंद आदि ग्रंथों से संबंधित चित्र बने। तो कुछ ग्रंथों का भी यहाँ पर चित्रांकन किया गया है, जैसे कि रामायण हो गई, कृष्ण लीला, रामलीला, गीत गोविंद इत्यादि। और स्वर्ण का ऊपर उठा हुआ काम, मोतियों की जड़ाई, असली जवाहरात को चित्रों में सजावट के लिए इस्तेमाल में लाना, इन्हीं के शासनकाल में चित्रकारों ने प्रारंभ किया। अब इस पॉइंट को आप समझिए, आपने कई सारे चित्र ऐसे देखे होंगे जिसमें स्टोन वगैरह लगे होते हैं, मोती वगैरह लगे होते हैं, जिनको आप छूकर भी देख सकते हैं, यानी रियल में ये सारी चीज़ें चित्र के ऊपर से लगी होती हैं। तो यहाँ पर जो राजा सवाई प्रताप सिंह हैं, इनके समय में भी चित्रों में इसी प्रकार का काम किया गया है। क्या लिखा हुआ है कि स्वर्ण का ऊपर उठा हुआ काम, स्वर्ण यानी कि सोना, तो सोने का उभारदार काम किया गया है। जहाँ पर सोने की चीज़ें दिखानी होती थी, वहाँ पर ये लोग सीधे सोने का काम करते थे, यानी चित्रों में असली सोने का इस्तेमाल करते थे, मोतियों की जड़ाई करते थे, असली जवाहरात को चित्रों में सजावट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब अगले राजा आते हैं। इसी कला की मौलिकता महाराजा सवाई जगत सिंह तक चली, यानी कि जो प्रताप सिंह के समय में चित्र बनाए जा रहे थे, यही मौलिकता, इसी प्रकार के चित्र महाराजा सवाई जगत सिंह के समय तक चलते हैं। उनके दरबार में पद्माकर जैसे प्रसिद्ध कवि भी हुए जिन्होंने जगत विनोद की रचना की। जगत विनोद किसकी रचना है? पद्माकर की। गोवर्धन धारण, रास मंडल वाले संसार के प्रसिद्ध चित्र तत्कालीन शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र दिए हुए हैं, गोवर्धन धारण, रास मंडल, ठीक है। पुंडरीक जी की हवेली के भित्ति चित्र भी इसी समय बने हैं, यानी कि जो राजा सवाई जगत सिंह हैं, इन्हीं के समय में गोवर्धन धारण, रास मंडल इत्यादि चित्र बनाए गए, और पुंडरीक जी की हवेली में भी भित्ति चित्रण किया गया। यद्यपि साहिब राम जैसे अन्य कलाकार अपनी परंपरा बनाए रखने में प्रयत्नशील थे, किंतु विदेशी प्रभाव है वो प्रवेश कर चुका था। जयपुर शैली के प्राचीन चित्र परंपरा में जो प्राचीन चित्र पद्धति थी वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी, उसका ह्रास होने लगा। फलस्वरूप कंपनी शैली का प्रभाव जयपुर शैली पर प्रविष्ट हो गया, यानी धीरे धीरे क्या होता है, जो कंपनी शैली है उसका प्रभाव जयपुर शैली पर आ जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, जयपुर शैली समाप्त हो जाती है। महाराजा जयसिंह द्वितीय व महाराजा राम सिंह के समय में 1835 ईस्वी में प्राचीन पद्धति का ह्रास अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, यानी जैसे पहले चित्र बनाए जाते थे जिस टेक्निक से पुराने चित्र बने हैं, वो टेक्निक यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, चित्र अब नए तरीके से बनने लगे, और उनके दरबारी कलाकार यथार्थवादी शैली फोटोग्राफिक ढंग में चित्र बनाने लगे, जो परंपरा से नितांत भिन्न थी, यानी पुरानी परंपरा से बिल्कुल भिन्न थी। अब चित्रकार अलग अलग तरीके से चित्रों का निर्माण करने लगे,
और महाराजा सवाई राम सिंह ने कलाकारों की इस प्रवृत्ति को देखकर कला के विकास के लिए, ध्यान रखिएगा, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की 1857 में स्थापना की, जो आगे चलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने की? महाराजा सवाई राम सिंह ने। और फिर यहाँ पर जो अगला पॉइंट दिया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराजा के आदेश से जयपुर के भवनों को गुलाबी आवरण दिया गया और तभी से जयपुर को गुलाबी नगर की संज्ञा दी जाने लगी। तो ध्यान रखिएगा इसे, महाराजा सवाई राम सिंह ने जयपुर के भवनों को गुलाबी रंग से पेंट करवा दिया था, इसीलिए जयपुर को गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासन तक चित्रकार पूर्ण रूप से यूरोपीय प्रभाव से लिप्त हो चुके थे, यानी चित्रकारों पर यूरोपीय प्रभाव आ चुका था। पाश्चात्य प्रभाव से आक्रांत जयपुर लघु चित्र शैली सन 1900 ईस्वी तक अपनी मौलिकता खो बैठी, यानी जयपुर में जो चित्र बनाए जा रहे थे इस पर पाश्चात्य शैली का या फिर यूरोपीय शैली का प्रभाव आ चुका था। तो महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल तक जो यूरोपीय शैली है उसका प्रभाव जयपुर शैली पर आ जाता है और यहीं से जयपुर शैली समाप्त हो जाती है। अब समझिए यहाँ के चित्रकार। तो चित्रकार आपको कुछ पहले भी बताए गए हैं और यहाँ पर भी कुछ प्रमुख चित्रकार दिए हुए हैं। तुलार चितेरा, शाहिब राम, फैडुला, शिवदास, मोहम्मद शाह और सेवक राम, हुक्मा, चिमना, शालिग्राम और गोपाल इत्यादि। अगला पॉइंट है जयपुर शैली के चित्र, यानी जयपुर शैली में कौन कौन से चित्र बनाए गए हैं। तो कुछ चित्र अभी आपको ऊपर भी बताए गए थे, उन्हीं में से जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वो यहाँ पर अलग से लिखे हुए हैं। तो पहला चित्र है रासमंडल, गोवर्धन धारण, राधा कृष्ण, महाराजा सवाई प्रताप सिंह का आदमकद व्यक्ति चित्र। आदमकद का मतलब होता है आदमी के कद के बराबर। फिर गोवर्धन पूजा, राम दरबार और मधुर बेला, कालिया दमन, लड़ते हुए हाथी, बंशी बजाते कृष्ण, मल्ल योद्धा। और हाँ, तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण चित्र थे, इन्हें ध्यान रखिएगा। आगे आती हैं जयपुर शैली की विशेषताएं। तो चलिए समझते हैं विशेषताओं को। पहला पॉइंट है विषय, यानी जयपुर शैली में जो चित्र बनाए गए हैं उनके क्या विषय रहे हैं। जयपुर चित्र शैली में व्यक्ति चित्रों को एक विशेष स्थान प्राप्त है, यानी यहाँ पर जो व्यक्ति चित्र हैं वो बहुत अधिक मात्रा में बनाए गए हैं। यहाँ के कलाकारों ने महाराजाओं के आदमकद चित्र बनाए हैं। आदमकद अभी आपको बताया गया है कि आदमी के कद के बराबर यहाँ पर चित्र बनाए गए हैं। साथ ही राजघरानों की स्त्रियों के भी व्यक्ति चित्र देखने को मिलते हैं, यानी राजघराने की जो स्त्रियाँ हैं, रानी वगैरह, उनके भी यहाँ पर व्यक्ति चित्र बनाए गए हैं। अन्य विषयों में दरबारी जीवन, कृष्ण लीलाएं, पौराणिक आख्यान यानी कि पुराणों से संबंधित कहानियों को चित्रित किया गया है, और बारहमासा महीने के 12 महीनों का अंकन, राग रागिनी, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, नवरस, रामायण, महाभारत इत्यादि श्रृंखलाएँ भी यहाँ पर चित्रित की गई हैं। लोक जीवन एवं दैनिक जीवन पर आधारित चित्रों को चित्रित किया गया है। दैनिक दिनचर्या को भी यहाँ पर बनाया गया है, यानी जो डेली का काम होता है। और पर्व त्योहारों में दीपावली, होली, राज महाराजाओं के जुलूस, राजा महाराजाओं के जुलूस भी दिखाए गए हैं, और पशुओं की लड़ाई इत्यादि यहाँ के प्रमुख विषय हैं जिनको चित्रकारों ने चित्रित किया है। फिर आती हैं यहाँ की नारी आकृतियाँ, मतलब नारी आकृतियों को किस प्रकार से बनाया गया है। नारी आकृतियों को मध्यम काठी का बनाया गया, यानी ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी, जिसमें अंडा का चेहरा, ऊंचा ललाट, ललाट यानी कि मस्तक, आंखें कैसी हैं मीनाकार, उठी हुई भौहें, अपेक्षाकृत बाहर निकली हुई नाक यानी नुकीली नाक बनी है, लंबे केश हैं, बाल लंबे हैं, लालिमा युक्त अधर यानी होंठ कैसे हैं, लाल हैं, मेहंदी रचे हाथ, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, और पैरों में आलता, आलता यानी कि रंग, पैरों में रंग लगा हुआ है, और माथे पर बिंदी चित्रित है।
अब बात करते हैं पुरुषों की, तो जयपुर शैली के चित्रों में पुरुष आकृतियाँ मध्यम कद की व भरे हुए शरीर चित्रित हैं, तो पुरुषों की आकृतियाँ भी बहुत ना तो लंबी हैं ना तो बहुत छोटी हैं, मध्यम कद की हैं और शरीर कैसा है, भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि दुबला पतला है तो भरा हुआ शरीर है, ऊंचा ललाट है, गोल चेहरा है, गोल नाक है, मोटे अधर हैं, होंठ मोटे हैं, मीनाकृत आँखें हैं, केश कंधों तक लटकते हुए हैं यानी बाल कंधों तक बनाए गए हैं, कनपटी के पास निकली हुई दाढ़ी है और मूछें लंबी हैं। फिर बात आती है हाशियों की, यहाँ पर जो हाशिए बने हैं वो कैसे हैं, तो जयपुर चित्रों में हाशियों में विविधता पाई जाती है यानी हाशियों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। चित्रों की जो हाशिए हैं उनको बनाने में लाल रंग का उपयोग किया गया है यानी प्रमुख रूप से हाशियों में लाल रंग का इस्तेमाल हुआ है जो काफ़ी चमकदार हैं। इस पर कहीं कहीं सुनहरे रंग से कलाकार का नाम व चित्र का शीर्षक भी अंकित है यानी हाशियों पर जो चित्रकार का नाम है वो भी लिखा हुआ है, किसने किस चित्र को बनाया है और जो चित्र का शीर्षक है यानी चित्र में जो दिखाया गया है वो क्या है, तो वो भी लिख दिया गया है। कुछ चित्रों में लाल सिंदूरी व पीले हाशियों पर काले रंग से चित्र से संबंधित दोहे भी लिखे हैं, चित्र से संबंधित दोहे भी लिखे गए हैं। फिर अगला पॉइंट है वस्त्र और आभूषण यानी स्त्री और पुरुषों को क्या वेशभूषा दिखाई गई है पहने हुए, तो नारी आकृतियों को घाघरा चोली और पारदर्शी चुन्नी पहने हुए दिखाया गया है। जो नारी आकृतियाँ हैं वो घाघरा चोली पहने हैं और जो चुन्नी है वो कैसी है, पारदर्शी है यानी ट्रांसपेरेंट है। आभूषणों में टीका, टोटी, बाली, हार, हसली, सतलड़ी, टेवटा, कंठा, बाजूबंद, चूड़ी, पायजेब और पैरों में जूतियां पहने भी दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो भी आभूषण दिए हुए हैं, अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होते हैं तो गूगल पर सर्च करके देखिएगा, सभी आ जाएंगे, ठीक है। फिर पुरुष आकृतियों को घेरदार चुन्नटी जामा, कमर पर पटका और सिर पर पगड़ी, नोकदार जूतियों के साथ ढीली मोरी के पायजामे, कानों में लोंग बाली या बुंदा, ये आभूषण ही हैं यानी कानों में लोंग ये भी एक आभूषण है, बाली और बुंदा ये पहने हुए पुरुषों को दिखाया गया है। गले में माला या कंठी है और हाथ और बाहों में कड़ा या भुजबंद है तथा कुछ पैरों में जो पुरुष आकृतियां हैं उनको पैरों में भी कुछ आभूषण पहने हुए दिखाया गया है जैसे कि कड़े, पैरों में कड़े पहने भी दिखाया गया है। अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण यानी यहाँ पर प्रकृति को किस रूप से दिखाया गया है, तो जयपुर के चित्रकारों ने चित्रों में प्रकृति का बखूबी अंकन किया है। नीले बादलों में सफ़ेद रुईदार बादल तैरते हुए बनाए गए हैं, बादल कैसे हैं, रुई के समान तैर रहे हैं और साथ ही लालिमा लिए हुए बादल भी चित्रित हैं यानी कि बादलों को यहाँ पर लालिमा लिए हुए यानी कि लाल रंग से भी कहीं कहीं पर दिखाया गया है। उद्यान में आम्र यानी आम, केला और पीपल, कदम इत्यादि के वृक्ष बनाए गए हैं। अगला पॉइंट आता है पशु पक्षी, तो जयपुर के कलाकारों ने शिकार के चित्रों व पशुओं की लड़ाइयों के चित्रों में पशुओं को बड़े ही स्वाभाविक और सरल ढंग से अंकित किया गया है। शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, सुअर, भेड़, बकरी, ऊंट का समावेश चित्रों में विषयानुसार किया गया है यानी जिस प्रकार का विषय है उसी अनुसार वहां पर जो जानवर है वो दिखाया गया है। और पक्षियों में तोता हो गया, मोर, कौवा, सारस, बतख इत्यादि को बनाया गया है। और यहाँ पर भवन किस तरीके के बने हैं, भवन तथा स्थापत्य, तो पूर्व में जो भवन हैं वो मुगल स्थापत्य जैसे चित्रित हुए हैं किंतु बाद में जयपुरी स्थापत्य को हूबहू चित्रों में उतारा जाने लगा। जयपुरी स्थापत्य यानी जयपुर में जो भवन बने हुए थे वही चित्रों में दिखाए गए हैं। और दालान में फूल, फलों की डालियाँ, सुराही, जाम इत्यादि का अंकन है। और जयपुर चित्रों में हरे रंग की प्रधानता दिखाई गई है यानी चित्रों में अगर आप देखेंगे तो हरा रंग विशेष रूप से लगाया गया है। तो ये थी आपकी जयपुर शैली, महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए फिर से आप पढ़ लीजिएगा और कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर उस चीज़ को डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक और राजस्थानी शैली यहाँ पर पूर्णतया समाप्त होती है और अगली क्लास में हम जो अगला टॉपिक है शायद मुगल शैली है
तो उसे हम स्टार्ट करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।